गुड ऑल द टाइम, स्पेशली फॉर द वुमेन फोक, बट ऐसा होता नहीं है. कभी वेट थोड़ा बढ़ गया, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो गई, और उसके चलते बहुत सारे हमारे हेल्थ इश्यूज होने लग गए. सो वेट गेन इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एंसिलरी थिंग्स गेट्स जॉइंड इन विद दैट. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे जुड़ जाती है और हम परेशान हो जाते हैं. तो इस परेशानी से अब आपको छुट्टी कैसे मिली? ओके, सो जस्ट 2 मिनट्स एंड आई विल शेयर द स्क्रीन. ओके, अमेधा श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा, कुछ पुरानी सी चिकित्सा, राइट? अमेधा यानी कि फैट लॉस, द करेक्ट अप्रोच टू वेट मैनेजमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज. जैसा कि मैंने बताया, वेट इन इटसेल्फ इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम, द रिलेटेड इश्यूज बिकम अ बिगर प्रॉब्लम टू स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर. Namaskar, I welcome you all to the Amedha webinar. My name is Rachna Bothra and I be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique way to manage your weight without the diet plans that restrict you and are not the correct way to stay in shape. Actually, weight loss is just one part of this program. It's much more than just weight management. So weight loss ek bahut chhota sa part hai Amedha Shleshma Shuddhi Chikitsa ka. But we are looking at bigger aspects of life about how we can recover post-operation, the rejuvenation of the system and delay aging. हम सब लोग इंटरेस्टेड हैं यंग दिखने में, तो हमको अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा. लेट्स मूव फर्दर. नाउ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू स्वामी राजविभू जी, अ रेयर कुंभक योगी. स्वामी राजविभू हैज बीन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव नॉट फाउंड एनी रिलीफ इवन आफ्टर इयर्स ऑफ यूजिंग एलोपैथिक मेडिसिन. Not only in India, but Europe and the US as well. He has a unique perspective about the human body and how it functions and how it can be corrected and balanced back to its natural state. Who is this webinar for? For people who are tired of temporary solutions and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their fat or weight issues. Weight management with Kumbhak, the right way, freedom from restrictive diet plans. So what will you learn in today's webinar? Hum kya seekhne aaye hain is webinar? What is fat? Fat, interesting. Why the body creates fat? Another interesting fact about our body. A new way to look at weight management. What is Kumbhak? Why a need for Kumbhak? How Kumbhak works on the body? Let's hear from Swami Rajvibhu ji. Wo hame kya batana chahte hain about weight management. Thank you so much for listening to me patiently. To ab hum discuss karenge, aap abhi recorded video dekhenge Swami ji ka, jahan wo batayenge कि वेट क्यों होता है बॉडी, यानी कि एक्सेस वेट, बिकॉज योर बॉडी इज एट सम रिस्क. सो इट कवर्स दैट अप और मिटिगेट्स द रिस्क बाय द एक्स्ट्रा वेट. एक्सक्यूज मी. आफ्टर दैट देयर विल बी समबडी लाइक हुज बीइंग अ पार्टिसिपेंट ऑफ अमेधा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल बी हैविंग स्वामी जी लाइव टू answer all your questions. Program details तो हम बताने ही वाले हैं आपको कि
ऑनलाइन प्रोग्राम आप कैसे अटेंड कर सकते हैं, उस सब चीज के बारे में डिटेल्स आपको बताया जाएगा. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द वेबिनार एंड लिसन टू व्हाट स्वामी जी हैज टू से अबाउट वेट मैनेजमेंट. थैंक यू सो मच. प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड नंबर एंड प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन रिगार्ड टू वेट. I will be taking up the questions in the fag end of the webinar when Swamiji himself will be joining us live. So, देर ना करे, लिख डाले आपके छोटे से छोटे प्रॉब्लम को जो आपको परेशान कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो वेट के कारण. नमस्ते एंड ओवर टू अनिल जी टू शेयर द वीडियो. वेट लॉस, पहली बात तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. हाँ, वेट जो हम केवल कह देते हैं ना, केवल इसको बहुत वेट कह रहे हैं, नहीं नहीं, इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा जब हम बोलते हैं तो वेट लॉस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, केवल एक ही पार्ट है. अच्छा, मैं आपको एक बड़े सिंपल तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझिए. मेनी ऑफ यू वुड हैव मेड उपमा, उपमा बनाया होगा ना आपने. तो ऐसा कीजिए कि कढ़ाई में सूजी डालो, पानी डालो, ठीक है, और उसको मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो. नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कुछ मिस कर रहे हैं हम. क्या मिस कर रहे हैं? अरे आग तो जलाया नहीं हमने. क्या मिस कर रहे हैं? आग तो जलाया नहीं. और उसमें खूब सारी चीजें डालने की कोशिश, हेल्दी उपमा बनाएंगे, हाँ, खूब सारे वेजिटेबल डाल देंगे और पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, मगर आप आग नहीं जलाएंगे तो उपमा नहीं बनने वाला. टेक इट एज अ गारंटी, पक्का गारंटी ले लो, ठीक है. सो व्हाट आर वी मिसिंग? अपने शरीर में भी यही चीज मिस कर रहे हैं. जैसे बाहर होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है. ये पार्ट ही मिस कर गए. और आपको मालूम है, उपमा अगर आप पहाड़ में ऊपर जाके बहुत प्रेशर हो जहां पे बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं, बड़ा तब भी मुश्किल है, ये आग जलाने के बाद भी नहीं बनेगा. तो दो चीजें जो हम मिस कर रहे हैं, टू पॉइंट्स दैट वी आर मिसिंग इज प्रेशर एंड टेम्परेचर. और इसका ख्याल पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. वो मटेरियल तो के ऊपर तो रिसर्च करते हैं, केमिकल के ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर रिसर्च करते हैं, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि आपके शरीर में कुछ भी डाल दीजिए, जब तक बाकी दो फैक्टर जिसको आयुर्वेद में पित्त और वात कहते हैं, जिस देखिए मटेरियल केवल जो होता है ना उसको श्लेष्म कहते हैं. आप मटेरियल डालते हैं, भोजन डालते हैं, दैट इज श्लेष्म. लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल करने की क्षमता अलग अलग है हर एक इंसान की, है कि नहीं? लेकिन ना हर एक को वही मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन डाल के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मगर आज तक कोई ठीक हुआ बताइए? पिछले 100 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, लेट्स टेक 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. कौन सा इंसान है जो कि अपने डिजीज से बाहर आ गया कुछ डाल के? डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, कौन सी बीमारी ठीक हो गई? कोई भी बीमारी ठीक नहीं हुई. इतना सारा विटामिन खाने के बाद में सारी जनता हेल्दी हो गई क्या? तो कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारी कम हो गई हमारी पॉपुलेशन में? कोई भी कम नहीं हुआ, सब बढ़ गया. अच्छा, यहां तक कि कैल्शियम खा रहे हैं खूब, लेकिन कैल्शियम की कमी होती जा रही है. एक इंसान बता दीजिए, टेल मी वन पर्सन इन द वर्ल्ड बाय टेकिंग इन कैल्शियम इसकी हड्डियां मजबूत हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया. गिव मी वन एग्जांपल. व्हाट आर वी मिसिंग? हाँ, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस कुछ मिस कर गया जो कि हमारे पौराणिक ज्ञान परंपरा में था, लेकिन उसको हमने वैल्यू नहीं दिया. हम तीन में बात करते हैं, है ना, तीन में बात करते हैं ना,
वात वित्त कफ, हम तीन में बात करते हैं। हम कैसे बात करते हैं? ओजस तेजस वर्चस, हम तीन में बात करते हैं। हम बात करते हैं त्रिशूल, तीन तरीके के पेन, हम तीन में बात करते हैं। जब तक आप तीन में बात नहीं करेंगे, आप पूरी बात नहीं कर पाएंगे। तो केवल मटेरियल को लेके अगर आप बात करेंगे कि भाई मल्टीविटामिन खा लो हेल्दी हो जाओ, तो आज तक तो कोई हेल्दी नहीं हुआ। मल्टीविटामिन खा के कैंसर के एपिसोड बढ़ गए, कैल्शियम खा के ब्रेस्ट कैंसर का चांस 200% बढ़ जाता है, मालूम है आपको। तो अच्छा प्रोटीन खाओ खूब, है ना, ये भी खा लो वो भी, लाल भी खा लो पीला भी खा लो हरा भी खा लो, लालच है बस। कोई ये देख नहीं रहा कि आपका वो जो खा रहे हैं वो सही में यूज होगा आपके शरीर में कि नहीं होगा। आदत ऐसी अगर हमने रख ली कि घर में सारा सामान ले आओ मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसको कोने कोने में ठूस के रखा हुआ है, तो गंदगी बढ़ेगी बस। तो इस मानसिकता से भी निकलना पड़ेगा। और ये ना सोचें कि आज तक जितना हुआ वो सही हुआ, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि जितना ज्ञान हमारे पास में आया उससे इंसानियत की हेल्थ बढ़ी, ऐसा एक भी प्रूफ नहीं आ रहा। हेल्थ खराब हो गई ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पहले गांवों में बीमारी होती थी सभी गांव वालों को हो जाती थी, आजकल पूरी दुनिया को हो जाती है। जिस इंफेक्शन के बारे में हम बात करते हैं वो भी ठीक नहीं होता, रेजिस्टेंस बढ़ गया, दवाइयां काम नहीं करती शरीर पे। आज एक भी इंसान दुनिया में ऐसा मिलना ढूंढने पे मिलेगा जो कि बिल्कुल उम्र भी हो गई और हेल्थ भी है, बहुत मुश्किल से मिलेगा, दिया लेके ढूंढना पड़ेगा दिन में। तो प्रूफ ही नहीं है कि हम लोग सही रास्ते पे, एक प्रूफ नहीं है। आपको मालूम है पिछले 100 साल में हमने 80% 80% जीवन को पृथ्वी से एक्सटिंक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 80% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैज गॉन एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। एक जीवन बिल्कुल खत्म क्यों हो जाए? Why a life will get extinct? क्यों चला जाएगा? क्योंकि रिस्क बढ़ गया उसकी लाइफ पे, तभी जाएगा। हाँ या ना, यस और नो? इफ वी इंक्रीज द रिस्क देन ओनली अ लाइफ विल गो ऑफ। तो एक अंदाजा के हिसाब से अगर आपको बताऊं, जस्ट फॉर एज एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इट, नॉट एन एक्यूरेट पिक्चर, बट अंदाजा लगाते हैं कि वॉट काइंड ऑफ रिस्क वी वुड हैव इंक्रीज इन द लास्ट 100 ईयर्स। वी हैव इंक्रीज द रिस्क बाय अ प्रोपोर्शन, बाय एन अमाउंट ऑफ 8000%। 8000% रिस्क हमने बढ़ा दिया। Tell me one thing more. Have we increased the risk mitigating capacity of this body? क्या हमने रिस्क बढ़ाया तो रिस्क झेलने की क्षमता बढ़ाई अपनी? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क, द कैपेसिटी ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क। एलोपैथी में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दे हैव अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। एलोपैथी केवल इम्यूनिटी की बात करता है और वो बहुत छोटा पक्ष है। देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिस्क मिटिगेटिंग कैपेसिटी इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में ये कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज नोन एज व्याधि क्षमत्वम। और व्याधि क्षमत्व, क्षमत्व कहां से आया? वेयर हैज दिस क्षमत्व? क्षमत्व मीन्स क्षमता, कैपेसिटी। व्याधि मीन्स डिविएशन। So, to bear the deviation, that kind of capacity, किसी भी व्याधि को, परेशानी को झेलने की क्षमता। तो अगर हमने रिस्क बढ़ा दिया तो रिस्क को झेलने की क्षमता तो बढ़ाना चाहिए ना। इतने ज्ञानी होने के बाद भी हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि हम ज्ञानी थे ही नहीं। We were never intelligent. So,
आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से शुरू किया, सिंपल तरीके से आई टॉक अबाउट व्याधि क्षमत्व। तो व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप कुछ लेते हैं, द बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू यूटिलाइज इट, उसकी एक क्षमता होती है उसको इस्तेमाल करने की। अगर इफ द बॉडी यूजेस दैट मटीरियल और श्लेष्म टू इंक्रीज लाइफ सस्टेनिंग एस्पेक्ट, जीवन को निर्वाह करने की चीजों को बढ़ाने में अगर शरीर को उसको इस्तेमाल करता है तो उसे शुद्धि कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ थिंग्स, सो डोंट टेक थिंग्स एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। शुद्धि इज नॉट प्योरिफिकेशन। तो तीन चीजें देखिए, तीन चीजें, अधि, अधि से शुरू, समाधि, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हर्ड दिस वर्ड समाधि। द सेकेंड वर्ड इज शुद्धि एंड द थर्ड वर्ड इज व्याधि। ठीक है, सम अधि, शुभ अधि, शुभ अधि इज शुद्धि और व्याधि अधि, व्याधि इज व्याधि। शुद्धि का ऑपोजिट व्याधि होता है, व्याधि का ऑपोजिट शुद्धि होता है, राइट। सो संस्कृत, व्हेन यू से संस्कृत वर्ड्स, प्लीज डोंट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी का सही तरीके से इस्तेमाल, इफ यू आर एबल टू यूज समथिंग टू सस्टेन लाइफ प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड ए शुद्धि, उसको शुद्धि कहा जाता है। सो व्हेन यू अप्लाई द राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड द राइट काइंड ऑफ प्रेशर, वाटर एंड रवा बिकम्स उपमा, दैट इज कॉल्ड ए शुद्धि। समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सोल्यूशन मिलेगा। देखिए, ज्ञान तो आप बहुत सारा यूट्यूब और गूगल में देख लेंगे, मगर सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा ना। इंसान हेल्दी तो नहीं हो रहा ना, तो कितना भी ज्ञान कर लो, हेल्दी नहीं हुआ तो ज्ञान बेकार का। अगर उपमा नहीं बना तो वो ज्ञान बेकार का, राइट। सो व्हाट इज शुद्धि? शुद्धि व्हेन यू यूज समथिंग फॉर इनहेंसिंग लाइफ, जीवन को बढ़ाने के लिए जब कोई चीज इस्तेमाल होती है तब उसे शुद्धि कहते हैं, नहीं तो जीवन को कम करने के लिए होता है, डिविएशन होता है, तो उसे व्याधि कहते हैं, डिजीज कहते हैं। तो डिजीज कैसे होगा? डिजीज कैसे होगा? जब आपकी कैपेसिटी नहीं होगी यूटिलाइज करने की, इफ योर कैपेसिटी टू यूटिलाइज मटीरियल इज नॉट देयर, देन यू आर इन अ डिजीज। हाँ, सिंपल। आगे चलते हैं। देन Who should be able to utilize things properly in the body? Everybody, ना? हर एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो और कौन कौन को चाहिए? Suppose you have got into a disease episode. आपको बड़ा गहरा infection लगा और आप recover कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा चाहिए नहीं है श्लेष्म शुद्धि, right? So you have gone through an operation, surgery हुआ, operation हुआ या injury हुआ, तो आपको श्लेष्म शुद्धि चाहिए, व्याधि क्षमत्व चाहिए, रिहैबिलिटेशन के लिए आपको व्याधि क्षमत्व चाहिए, ये प्रोग्राम चाहिए। रिहैबिलिटेशन करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम चाहिए, और डी एडिक्शन करना चाहते हैं, यू वांट टू कम आउट ऑफ सम काइंड ऑफ एडिक्शन, यू नीड व्याधि क्षमत्व और श्लेष्म शुद्धि, उस समय भी आपको चाहिए। डिटॉक्स करना चाहते हैं अपने बॉडी का, बॉडी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? श्लेष्म शुद्धि और व्याधि क्षमत्व। तो स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिग, इट्स अ बिगर अम्ब्रेला, एंड वेट मैनेजमेंट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। वेट मैनेजमेंट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, और दूसरी चीज इसके बाद में और थोड़ी सी बात करते हैं, देन विल टॉक अबाउट हाउ वी गो अबाउट डूइंग इट, इसको हम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। इफ वी आर सेइंग वी हैव इंक्रीज द रिस्क ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी और एनी काइंड ऑफ लाइफ, लाइफ पे हमने रिस्क बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन, राइट? सो नेचुरली देयर इज अ बैलेंस ऑफ मेनी थिंग्स
with material pressure temperature which creates life है ना. वातावरण में भी टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन है एक तरीके से, तो एक तरीके की लाइफ हो रही है वहां पे, ऐसा है ना. इफ यू डिविएट दिस बैलेंस, अगर इस बैलेंस को थोड़ा बहुत डिविएट करते हैं हम, देन वी क्रिएट रिस्क. सो हैव वी पोल्यूटेड द एनवायरमेंट, क्या एनवायरमेंट पोल्यूट कर दिया हमने? सो वी हैव क्रिएटेड रिस्क ऑन अस, अपने ऊपर रिस्क कर दिया क्रिएट, किया कि नहीं. सो वी हैव वी चेंज द कॉम्पोजिशन द रिसोर्सेस ऑफ दिस एनवायरमेंट. इसमें से पानी आप देखो आसपास में, जस्ट लुक अराउंड, हाउ मेनी प्लेसेस वेयर यू फाइंड पॉन्ड्स रिवर्स लेक ताल तालाब सरोवर, कहां गए हमारे? नहीं है. जमीन के नीचे पानी कहां है? फ्रॉम 50 feet टू 5000 feet डाउन, दूर चला गया पानी, है ना. जो जिस तरीके के जीव जंतु होने चाहिए हमारे आसपास में, वो नहीं है. हमारे शरीर को हवा लगनी चाहिए, नहीं, हमने बंद कर दिया उसको, कंडीशन्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं. सो वी हैव क्रिएटेड रिस्क बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट और कंडीशनिंग, क्रिएटिंग कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट. एक रिस्क, पहला रिस्क हमने ये किया. द सेकेंड रिस्क इन द बॉडी, शरीर के अंदर रिस्क किया. सो योर बॉडी इज डिजाइंड फॉर यूटिलाइजिंग नेचुरल फूड, भोजन को इस्तेमाल करने के लिए आपका शरीर बना हुआ है. ऑल द केमिकल कंपोजिशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो कुछ भी हॉर्मोन्स एंजाइम्स है ना, एंड और जितने फंक्शन होते हैं इसके, जितने भी केमिकल कंपोजिशन है, वो सब किस चीज के लिए? फूड को यूटिलाइज करने, टू यूटिलाइज फूड, इजंट इट. भोजन को इस्तेमाल करने के लिए है कि नहीं है? सपोज कीजिए आप इसके अंदर भोजन के अलावा कुछ और डाल देते हैं, यू पुट समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम फूड, विल यू क्रिएट रिस्क? क्या आप रिस्क बढ़ा देंगे? आप एक दवाई खा लेते हो, केमिकल दवाई, तो क्या आप रिस्क बढ़ाएंगे कि नहीं इस शरीर के अंदर? द मोमेंट यू पुट समथिंग विच इज नॉट योर फूड, जब भी कोई चीज आप इस शरीर में डालते हैं जो भोजन नहीं है, आप गड़बड़ करते हैं ना, आप रिस्क बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, और वो वेट के साथ में रिलेटेड हुए एग्जाम्पल देंगे. विल है ना, विल यूज एडिपोस और फैट एज एन एग्जाम्पल. सो फैट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ व्हाट यू ऑल्सो कॉल एज कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल जिसे हम जानते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें जो डालते हैं. डू यू नो कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे बढ़िया चीज है. अच्छा, आपको यह मालूम होना चाहिए कि योर ब्रेन, योर बॉडी एंड ब्रेन, स्पेशली योर ब्रेन डजंट ट्रस्ट यू, ये आपको भरोसा नहीं करता, और ये अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है. अच्छा, 90% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज मेड बाय योर बॉडी. कोलेस्ट्रॉल बाहर से आप देंगे ना तो शरीर नहीं लेगा, वो अपना बनाएगा. तो बाहर से आप जो उसको कह रहे हैं फैट दे रहे हो, वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा बनाता है. और ब्रेन इज मेजरली कोलेस्ट्रॉल. अच्छा, रिस्क आपके शरीर में जब भी बॉडी को कम करना होगा तो वो एक हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है कॉर्टिसोल. और वो कहां से बनाएगा? What is the raw material for manufacture of cortisol? It is cholesterol and triglyceride. So, जब भी risk बढ़ाएंगे आप, तो आपका body cortisol ज्यादा बनाएगा. Yes or no? Your body is a living entity. जब भी आप शरीर का risk बनाएंगे, तो वो risk को कम करने के लिए cortisol बनाएगा. तो क्या बढ़ाएगा वो अपने शरीर में? Cholesterol बढ़ाएगा. तो cholesterol बढ़ाना गलत है या अच्छा है? अच्छा है. गलत कैसे हो सकता है? अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे तो आप शरीर को रिस्क ठीक नहीं करने देंगे, रिस्क को मिटिगेट नहीं करने देंगे, दैट इज क्रिमिनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू रिड्यूस द रिस्क, द बॉडी विल नॉट मेक कोलेस्ट्रॉल, यस और नो? बट इफ यू इंक्रीज द रिस्क एंड डू नॉट अलाउ द बॉडी टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, यू आर डूइंग अ क्राइम अपॉन योर बॉडी. आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो. नाउ गिविंग मोर एग्जाम्पल अराउंड इट, थोड़ा और एग्जाम्पल दूं कि हम कैसे
एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को लेके. सो हाउ डज योर बॉडी मिटिगेट इन्फेक्शन? इन्फेक्शन को कैसे ठीक करता है आपका शरीर? मेनी ऑफ यू माइट हैव गॉट इनटू कोरोना, ये सुनो, और वायरल, सम काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन यू मस्ट हैव गॉट इनटू, है ना? वायरल इन्फेक्शन तो हुआ होगा सबको. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन योर बॉडी? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन योर बॉडी? फीवर, टेम्परेचर राइज, यस और नो? फीवर होता है ना. सो किसी भी इंफेक्शन को खत्म करने का तरीका क्या है बॉडी का? व्हाट इज द वे ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी टू मिटिगेट इंफेक्शन? टेम्परेचर राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाना. मगर आप नहीं बढ़ने देते ना, आप क्या करते हैं? यू टेक इन अ डोलो, क्रोसिन, पैरासिटामोल. आप बढ़ने नहीं देंगे, आप इसको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं है. यू डोंट टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शन, वी विल टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शन. आप नहीं बढ़ने देते ना. दिस इज, देखिए हम क्रिमिनल काम कैसे कैसे कर रहे हैं. हाउ वी आर डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी अपॉन दिस बॉडी, राइट? सो नाउ सेकेंड थिंग, उल्टी होता है तो फिर उल्टी बंद कर देंगे, है ना? दस्त होगा तो दस्त बंद कर देंगे. कोई भी काम इस शरीर को नहीं करने देंगे. सो हाउ विल दिस बॉडी मिटिगेट द रिस्क? उस रिस्क को कम कैसे करेगा जब आप इसे करने नहीं देंगे? तो व्हाट विल इट डू? ये क्या करेगा? जो आप नहीं कर सकते उस तरफ में अपना रिस्क मिटिगेट करेगा. इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ फैट, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इंक्रीज ऑफ एडिपोज टिश्यू. वो अपना भोजन कलेक्ट करने लग जाता है कि भाई जरूरत पड़ गई तो. ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए. आप लोगों ने, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ दिस इन अ डिफरेंट टर्म. मैं आपको बिल्कुल अलग रास्ता दिखा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कहां जा रहे हैं. सो प्लीज होल्ड फॉर सम टाइम, आई विल टेल यू आप क्या कर रहे हैं इसके साथ में और क्यों वेट बढ़ रहा है और ऐसे कैसे आसानी से कम हो जाएगा. हाउ विल यू रिड्यूस इट, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत तरीके से कैसे हो जाएगा. एंड अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोग्राम ऑल्सो. सो व्हेन यू डू नॉट अलाउ दिस बॉडी टू डू समथिंग, द रिस्क ऑफ दिस बॉडी इंक्रीजेस, यस और नो? अगर आप शरीर को कोई काम नहीं करने देना चाहेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा ना, इसका रिस्क बढ़ जाएगा. Then what will it do? It will go into a survival mode. ये survival mode में अपने को जिंदा रखने की कोशिश में और आगे जाएगा. So वो survival के लिए, what is the survival mechanism of human body? So there is a core, एक दो दो चीजें हैं आपके शरीर के अंदर. Survival का जो काम करता है ना, वो काम करता है, इसे कहते हैं adrenal gland. ठीक है ना, एड्रीनल ग्लैंड. आपके किडनी के ऊपर दो छोटे ग्लैंड है, ये सर्वाइवल का काम करते हैं. ये क्या रिलीज करते हैं? ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं. ठीक है, ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं. अब देखो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ताकि पता चले कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू मैनेज डिजीज, हम डिजीज कोई भी तरीके का क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे. तो देर इज अ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस, आपका पीछे का मगज है ना, छोटा छोटा पीछे हाइंड ब्रेन, छोटा ब्रेन है, और जो जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर का हिस्सा, वहां पे हाइपोथैलेमस एक जगह होती है. ये ना आपके पूरे शरीर को का सीईओ है, एक तरीके से मैनेजर है, हेड है. यही बताता है कि क्या करना चाहिए शरीर में, क्या नहीं करना चाहिए, यह बताता है. तो जब आप रिस्क बढ़ा देते हैं अपने शरीर का तो एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है. इसे कहते हैं एड्रीनल ओवर एक्टिविटी. एड्रीनल ओवर एक्टिविटी शुरू होता है आपके शरीर में. ठीक है, अब ये एड्रीनल ओवर एक्टिविटी कई तरीके से होता है. जैसे कि आपने दर्द के लिए दवाई खाई होगी ना, तो वो दवाई दो तरीके की होती है. एक को कहते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और दूसरे को कहते हैं स्टीरॉइड्स. ये दो तरीके की चीजें आपको खिलाई जाती है. जब भी कोई चीज हाथ से बाहर हो जाता है, आपको दर्द की दवाई सबने खाया होगा ना,
दे आर प्रोस्टा, उनको प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं, और दूसरा स्टेरॉयड, जब हाथ से काम निकल जाता है तो आजकल हर चीज में स्टेरॉयड दिया जाता है, ठीक है। ये दो चीजें जब भी आप बाहर से देंगे तो आपका एड्रिनल एक्टिविटी गड़बड़ होता है, यानी रिस्क झेलने की क्षमता शरीर की खराब हो जाती है। पहली बात क्या बताया आपको, पहली बात क्या बताया आपको कि जब आप छेड़छाड़ करेंगे शरीर के बैलेंस के साथ में, कोई केमिकल डालेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, कभी रोकेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या बताया, जो रिस्क को ठीक करने का मैकेनिज्म है शरीर का, उसको भी काम नहीं करने देते, उसकी क्षमता भी ठीक नहीं है, तो क्या होगा, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी। अब ये चीज आप हर जगह पे देख सकते हो कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहा है, यानी इंफेक्शन वाली बात हम साइड में रखते हैं, अब क्या बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, अब क्या बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, थायराइड इज इंक्रीजिंग, कैंसर बढ़ रहा है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो हमने इसी को कहते हैं कि अगर रिस्क बढ़ाया और रिस्क झेलने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो सारी दुनिया बीमार पड़ेगी, और आप देख लीजिए केवल टाइम की बात है, आज कोई बीमार नहीं है तो कल को होने ही वाले हैं। तो आपने एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ा दिया, इंटरनल रिस्क बढ़ा दिया बॉडी का, ये दोनों बढ़ा दिया, आप इसको काम नहीं करने दे रहे, तो आप केवल वेट कीजिए, आपको मल्टीपल डिजीज होने वाला, ठीक है, आप केवल वेट करना और कुछ नहीं करना। अभी देखेंगे ये एक डिजीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से आगे चलेगा। नाउ बॉडी एक और काम कर रहा है रिस्क को मिटिगेट करने का, कि वो सोच रहा है बाकी तो ये काम करने नहीं दे रहे, तो क्यों ना अपना भोजन मटेरियल तो इकट्ठा कर लो, ताकि कभी काम करने दे तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं, वही फैट है आपके शरीर, वही फैटी लिवर के बारे में एक और बात बता देता हूं, कि व्हेन यू पुट इन अ केमिकल इन योर बॉडी इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन, केमिकल ही अपने आप में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, यानी कि अगर आप स्किन पे थोड़ा सा केमिकल डाल दो तो जलन होगी ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन, तो आपके लिवर में जब ये जाता है तो उसको भी इन्फ्लेमेशन होता है। थोड़ा फैट लगा दीजिए, पुट अ लिटिल फैट लिटिल घी, इन्फ्लेमेशन विल गो डाउन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी, तो लिवर भी तो बेचारा फैट इकट्ठा करके इन्फ्लेमेशन कम कर रहा, आप वो भी नहीं करने देंगे, यू विल टेक सम काइंड ऑफ अ स्टैटिन। तो प्लीज देखिए, मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं द काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग अपॉन दिस बॉडी, और ये बॉडी फिर केवल अपने को बचाने के लिए फैट एक्यूमुलेशन, एडिपोस, इंक्रीज ऑफ एडिपोसाइट्स, इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, केवल यही कर पा रहा है, ठीक है। अब उसको दूसरा ट्विस्ट देते हैं, थोड़ा सा बताया मैंने, ये बहुत डायर, बहुत खराब सिचुएशन है, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ये आप समझें कि वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट वन और टू थिंग्स, वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर करंट अप्रोच टू हेल्थ एंड डिजीज। जो अभी हमारा हेल्थ और डिजीज के लिए अप्रोच है ना, उसमें बहुत सारे मिसिंग पार्ट्स हैं, और ये सारी दुनिया बीमार हो जाएगी अगर आज हमने अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदला तो। सो लेट्स गेट बैक टू वेयर आई स्टार्टेड विथ, मैंने शुरुआत कहां से किया था, श्लेष्म शुद्धि, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वॉट एवर यू पुट इन योर बॉडी एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वॉट एवर इज देयर इन द बॉडी एज अ स्टॉक, एज अ रिजर्व। इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक करें। अच्छा, इसके पहले एक और चीज मैं बता दूं, Should I tell you one more thing? How do you mitigate the risk? अपने शरीर पे कोई रिस्क अगर आपको आता है तो how do you mitigate the risk? कैसे आप उस रिस्क से बचाते हैं अपने आप को? जरा एक्सपेरिमेंट करें, करके देखें, आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं। Tell somebody to hit you hard. किसी को बोलिए कि आपको थोड़ा जोर से मारे, मुक्का मारे, तो आप पर वो मुक्का जो है, वो जो हिट लगेगा आपको, दैट इज अ रिस्क, वो रिस्क है ना। सो हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इट, उससे बचने के लिए आप करते क्या, क्या आप अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं? डू यू टेंस योर बॉडी टू मिटिगेट द रिस्क? क्या आप टाइट कर लेते हैं उससे बचने के लिए? और टाइट करने के लिए आप क्या करना, व्हाट डू यू डू टू टेंस योर बॉडी,
यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, यस और नो? आप सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने शरीर को ताकि आपको वो जो चोट है वो कम लगे, हाँ या ना? तो हाउ डू यू मिटिगेट द एक्सटर्नल रिस्क? बाय होल्डिंग द ब्रेथ. एक और एग्जांपल लें, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सो यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, आप एक बहुत डरावनी सी मूवी देख रहे हैं, एंड सडनली अ वेरी हॉरर सीन इज अबाउट टू कम. एक ना बहुत खतरनाक सीन आने वाला है, आपको पता, अंदाजा लग जाता है. व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आपकी सांस रुकती है, आप सांस रोक लेते हैं और देखते नहीं वहां पे, ऐसे आंख के आगे हाथ रख के सांस रोक लेते हैं. यस और नो? यस और नो? अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं. आई कीप ऑन गिविंग यू एग्जांपल्स, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट. आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये ना सोचें कि जो कहीं जाके जिसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो समझदार. नहीं, पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते. दिस इज अ रिसर्च ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. 25 साल की एजुकेशन में 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है. तो आप लोग ज्यादा समझदार हैं, ठीक है ना? तो और एग्जांपल लेते हैं. यू मस्ट हैव टेकन सम इंजेक्शन. इंजेक्शन लिया होगा कभी ना कभी, इंजेक्शन लगा है ना आपको, और आप देख रहे हैं और वो डॉक्टर इंजेक्शन देने वाला है और फिर वो मतलब सुई अंदर जाने वाली है, उस समय क्या होता है? व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? सांस रोक लेते हैं. ये आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मगर आप देखेंगे कि आप सांस रोक लेते हैं. यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? यू होल्ड योर ब्रेथ, है ना? घबरा गए, बहुत घबरा जाते हैं कभी. एंजाइटी हैपन्स. डू यू नो योर ब्रेथ गेट्स हेल्ड, सांस रुकती है. बहुत खतरनाक न्यूज सुना आपने, कहीं से बहुत खराब समाचार आ गया, आपकी सांस रुकने लग जाती है, आप रोते हैं जब, उस समय आपका गला भर जाता है, आपकी सांस रुकने लग जाती है. इतने सारे इंसिडेंट्स, रिस्क मिटिगेटिंग इंसिडेंट्स आपने देखे अपने लाइफ में, यू हैव सीन इन लाइफ. हाउ डू यू मिटिगेट दैट रिस्क? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ एवरी टाइम इट हैपेंस, यस और नो? अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, एक व्हीकल में अगर ट्रैवल कर रहे हैं खड़े होकर, बस में, और आपने एक रॉड पकड़ रखा है, खंबा पकड़ के रखा है, और वो ऊबड़ खाबड़ जगह से जाती है, तो आपका होल्ड टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता? होल्ड टाइट होता है कि नहीं होता? पकड़ लेते हैं ना, जोर से पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? अगर आप एक टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे यू आर सिटिंग एट द बैक एंड देयर इज अ लिटिल हेयर इन देयर, यू होल्ड द पर्सन टाइट और नॉट? अब टाइट पकड़ लेते हैं ना, एक्चुअली आप देखेंगे तो टाइट पकड़ने के लिए आप सांस रोक लेते हैं, ठीक है ना? यू होल्ड योर सेल्फ टाइट. तो एक तरीका ये जानने के लिए कि आपका व्याधिक क्षमत्व, रिस्क को झेलने की कैपेसिटी कितनी है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं. वन वे टू नो कि आपके शरीर में फैट यूज होगा कि नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इफ देर इज एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी और नॉट, व्हाट विल इट, हाउ विल यू चेक कि आपका वे अपना फैट को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी कम है कि ज्यादा है? आप अपनी पकड़ को देखें. इफ यू आर एबल टू टेंस योर बॉडी अलॉट, अगर अपने शरीर को टाइट कर सकते हैं, अगर अपने आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आपका झेलने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है. द स्ट्रेंथ ऑफ होल्ड ऑन योर बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ योर इम्यूनिटी, इज एन इंडिकेटर ऑफ अ लार्जर स्कोप, आई एम सेइंग व्याधि क्षमत्व. ये अगर आप बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज व्याधि क्षमत्व, यू विल डू श्लेष्म शुद्धि, यू विल इंक्रीज इम्यूनिटी, यू विल इंक्रीज द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, यू विल इंक्रीज द ऑर्गन फंक्शन ऑफ योर बॉडी एंड द ऑर्गन स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, यू विल इंक्रीज द होम्योस्टैसिस ऑफ योर बॉडी. अब एक नया वर्ड बोल दिया, होम्योस्टैसिस.
homeostasis, because of homeostasis, there is everything in balance in your body. तीन चीजों को होम्योस्टेसिस चाहिए आपके बॉडी के अंदर, तीन चीजों का बैलेंस चाहिए, ठीक है? केमिकल होम्योस्टेसिस, ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस एंड थर्मो होम्योस्टेसिस, तीन चीज बताया। देखिए देखिए, ये अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ डिफरेंट मैनर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटीरियल, कफ, पित्त, वात, ओजस, तेजस, वर्चस, यही बताया मैंने। तो ये तीनों का ही बैलेंस आपको लाना पड़ेगा, तभी व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा। यही तीन चीजों का होम्योस्टेसिस बैलेंस लाएंगे तभी आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, तभी आपका फैट का रिडक्शन भी होगा, डिजीज का रिकवरी भी होगा, स्ट्रेंथ गेन भी होगा, एंटी एजिंग भी होगी, एंटी एजिंग भी होगी। Now, I have just told you one way to check. There are other ways to check. I have told you only one way. पकड़ मैंने बोला ना, केवल एक ही तरीका है पकड़। Mentally, किसी को इश्यू भी होगा तो भी उसकी पकड़ ज्यादा होती है, समझिए। आप एक ही चीज पे निर्भर ना करें। आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट वन थिंग, इफ देर इज अ मेंटल इश्यू पेशेंट, अगर उसकी पकड़ ज्यादा हो तो दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ व्याधि क्षमता। तो ये बैलेंस आपको करके चलना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज? एक तरीका मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता जा रहा हूं कि एक्सटर्नली यू सी यू होल्ड योर ब्रेथ टू मिटिगेट रिस्क। आप किसी भी तरीके का एक्सटर्नल रिस्क मिटिगेट करते हैं तो आपकी ब्रेथ होल्ड करते हैं, यानी अगर इफ यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी यू विल सी यू विल मिटिगेट रिस्क वेरी इजिली। एंड द फैट प्रोपोर्शन, आपके शरीर में फैट की जो क्वांटिटी है वो यूज होने लग, उसकी शुद्धिकरण होने लग जाएगा, यूज होने लग जाएगा। अनदर एग्जांपल, इसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इफ यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से एग्जांपल 15 मिनट्स, 15 मिनट तक आपने बीच बीच में सांस को रोकते 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 ऐसे किया, देन व्हाट विल यू सी इमीडिएटली, व्हाट विल सी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, आपको पसीना आ जाएगा विदाउट डूइंग एक्सरसाइज। So, as I said, thermoregulation और temperature body का आपको बढ़ाना पड़ेगा to utilize fat. Yes or no? उसके लिए आप एक एक्सरसाइज करते हैं ना, खूब जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो फिर थोड़ा फैट कम होता है, मगर मैं तो आपको बैठ के ही फैट यूटिलाइज करने का तरीका बता रहा हूं विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज, बाय जस्ट डूइंग कुंभक यू इंक्रीज थर्मोरेगुलेशन फैक्टर और थर्मोरेगुलेटिव इंडेक्स ऑफ योर बॉडी, शरीर में टेम्परेचर बढ़ाने की क्षमता आपकी जैसे ही बढ़ती है आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। एनीबडी हु डज कुंभक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टिल द व्याधि क्षमत्व हैज इंक्रीज कैन नॉट गेन वेट, कैन नेवर गेन वेट। आई वॉज मोर देन 107 kgs, मैं 107 किलो से भी ज्यादा था। तो पहली चीज, इफ योर बॉडी टेम्परेचर, इफ योर टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी इज हाई, यू कैन नॉट हैव एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी, इट विल गेट यूटिलाइज, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको कुंभक कैपेसिटी बढ़ाने से थर्मो रेगुलेशन भी होता है। सेकेंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, यू नो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट और एनी मटीरियल इन द बॉडी देर इज अ सर्टन ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज नीडेड। आजकल उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, देर इज नथिंग कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जैसी चीज कुछ कुछ भी नहीं होती और किसी को भी मालूम नहीं है कि ब्लड प्रेशर होता क्या, नहीं तो वो ठीक कर देते हैं, पर हम लोग ठीक कर देते हैं ब्लड प्रेशर। हाउ? बाय कुंभक। अपने शरीर के अंदर आप प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल। उल्टी किया होगा सबने, यू मस्ट हैव प्यूक्ड, उल्टी किया होगा सबने, कभी ना कभी तो किया होगा। उल्टी करने से पहले क्या होता, व्हाट हैपेंस? फॉर थ्रोइंग आउट यू नीड अ सर्टन प्रेशर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेशर चाहिए एंड बॉडी होल्ड्स ब्रेथ, सांस रुकती है वो प्रेशर बनाने के लिए एंड देन यू प्यूक आउट, फिर उल्टी होती है आपके। छींक मारी है किसी ने? हैव यू स्नीज, छींक मारा है? क्या छींक मारने से पहले सांस रुकती है? डू यू होल्ड योर ब्रेथ बिफोर?
देखिए ऑब्जर्व ही नहीं किया आपने इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि किसी किताब को पढ़ के आपको ज्ञान मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। अरे नहीं, ज्ञान तो यहां पे है। लाइफ इज हैपनिंग हियर, यू मस्ट ऑब्जर्व इट एंड देन ओनली यू विल गेट अ सॉल्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हो गया एंड यू वांट अ रिलीफ, है ना, थ्रो बाहर नहीं निकल रहा तो जोर लगाते हैं कि नहीं सांस रोक के, सबने किया होगा कि नहीं किया होगा, वो भी सांस रोक के करते हैं। दैट मींस इफ देयर इज समथिंग टू ट्रैवल इनसाइड योर बॉडी, अगर शरीर में कोई चीज ट्रैवल करना है तो आपको एक प्रेशर चाहिए। प्रेशर कम हो जाए ना किसी का, आस्क अ पर्सन हु हैज लो बीपी, वो किसी को पकड़ भी नहीं पाएगा, उसकी पकड़ ही कमजोर हो जाएगी। तो बॉडी में कोई चीज फ्लो कराने के लिए भी प्रेशर चाहिए, और प्रेशर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ब्रेथ होल्ड। अंदर बॉडी का प्रेशर बनाए तो ब्रेथ होल्ड करके प्रेशर बना सकते हैं ना। हाँ या ना, और कोई तरीका है क्या? कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। तो जब हम श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं तो हाउ डू वी डू श्लेष्म शुद्धि? बाय पित्त एंड वात बैलेंस, और ओजस वर्धन कह सकते हैं। श्लेष्म शुद्धि को हम क्या कर सकते हैं? ओजस वर्धन। ओजस वर्धन क्या करें, आपको लगता है कुछ खा लो तो ओजस वर्धन हो जाएगा, खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती और आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि लगने के लिए आपका पित्त और वात पक्ष सही होना चाहिए, तेजस और वर्चस सही होना चाहिए, तब जाके ओजस बनेगा, है ना। आग जलनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, तब उपमा बनेगा। वापस से घूम फिर के वहीं आ जाइए, आपको समझ में आएगा। तो अपने शरीर का श्लेष्म शुद्धि के लिए क्या करेंगे? यू विल हैव टू रेगुलेट और इंक्रीज द टेम्परेचर इंडेक्स एंड प्रेशर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। आपके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज, यानी झेलने की क्षमता कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए, एंड देन श्लेष्म शुद्धि कैन हैपन, नॉट अदरवाइज, कोई और तरीका नहीं है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी योर इम्यूनिटी विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट योर ऑर्गन स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम डिजीज वेरी फास्ट, रिहैबिलिटेशन विल हैपन, एंटी एजिंग विल हैपन, फैट तो इस्तेमाल होगा तभी होगा ना ये सब। सो श्लेष्म शुद्धि, हाउ वी आर गोइंग अबाउट डूइंग श्लेष्म शुद्धि? बाय यूजिंग कुंभक टू इंक्रीज व्हाट इज कॉल्ड एज तेजस एंड वर्चस। दो फैक्टर बताए, श्लेष्म या ओजस को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ा रहे? बाय इंक्रीजिंग द तेजस एंड वर्चस फैक्टर, वी आर इंक्रीजिंग द ओजस फैक्टर, एंड यू विल सी जो भी कुंभक कर रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार। इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार। सो वी आर टीचिंग यू त्रिकाग्नि कुंभक क्रिया एज वन पार्ट ऑफ इट। तीन चीजें आपको सिखाएंगे इसमें प्रोग्राम में, द फर्स्ट थिंग दैट विल टीच यू इज त्रिकाग्नि कुंभक क्रिया, द सेकेंड पार्ट दैट विल टीच यू इज सर्वांग हठ कुंभक, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो ये ना, ये ओवरऑल हेल्थ प्रोग्राम है। सो इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर लिवर, thereby reducing fatty liver, liver cirrhosis, liver ke issues ko khatam karega, heart ko strong karega, it will build up confidence, boost up confidence and boost up heart strength, increase what you call as the blood regulation, blood pressure regulation factor of your body, aapke blood pressure ko regulate karne ke factor ko badhayega, it will enhance the kidney capacity ko wo increase karega, tabhi jo खराब चीजें हैं आपके शरीर से बाहर जाती है। श्लेष्म शुद्धि में जो भी खराब चीजें बनेगी वो थ्रू आउट करने का भी, डाइजेशन कैपेसिटी, इट विल इंक्रीज द हंगर इंडेक्स, द राइट हंगर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी, सही भूख। अगर आपको खूब भूख लगती है ना, आपको फैट नहीं हो सकता, मालूम है इस बात का? आपके अंदर फैट नहीं हो सकता, खूब भूख लगती है लेकिन आप भूख लगने ही नहीं देते, वैसे ही खा लेते हैं। टाइम पे खाते हो ना तो बीमारी हो रही है, भूख लगने पे खाएंगे तो बीमारी नहीं होगी। सो हंगर फैक्टर को भी इंक्रीज करेगा, देयर बाय डाइजेस्टिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस जो डाइजेस्टिंग एनीथिंग विच इज
विच इज केप्ट एज डॉर्मेंट इन योर बॉडी. कोई फैट अगर डॉर्मेंट है तो उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके, ठीक है ना. तो ऑर्गन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सर्वांग हट कुंभक है. एंड द थर्ड थिंग इज इट विल ऑल्सो विल ऑल्सो इंश्योर दैट यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन योर बॉडी. जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, जैसे आपको न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, स्पेशली न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज. सो एंड देर इज एन एपिसोड, एक रिस्क एपिसोड आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वापस आके आप अपने शरीर को वापस से एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग कर पाए, उसके लिए करला कटाई. करला कटाई का एक बहुत सिंपल प्रोसेस, एनीबडी कैन डू इट. करला कटाई इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस, ये बहुत एक साउथ इंडियन मार्शल आर्ट में अभी भी संभाल के रखा है इसको. नॉट इन द राइट फॉर्म, नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्म, बट यस इन मेजरली इट हैज बीन केप्ट एज इट इज. तो करला कटाई एक ऐसी चीज है जिससे कि बॉडी का ब्यूटिफिकेशन होता है. योर फैट विल बी यूटिलाइज बट योर प्रोपोर्शन विल कम आउट. आपका प्रोपोर्शन बहुत अच्छा बन जाएगा, यानी आप शरीर से खूब सारा एक्टिविटी ले सकते, काम ले सकते हो. जैसे जवानी में खूब शरीर से काम ले सकते थे ना, अगेन यू कैन यूज योर बॉडी टू डू लॉट ऑफ एग्रेसिव एक्टिव, इवन एग्रेसिव एक्टिविटी. आपका बॉडी का प्रोपोर्शन भी आता है करला कटाई से. एंड देर इज अ मूवमेंट विद सर्टन वेट, वेट के साथ में एक छोटा सा मूवमेंट आपको सिखाएंगे. वेरी शॉर्ट प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है. इफ यू डू इट रेगुलरली इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंटी एजिंग फैक्टर. एंटी एजिंग भी होता है इससे, ठीक है. तीन चीजें आपको सिखा रहे हैं, बट एवरीथिंग हैज अ बेसिस कोर एज कुंभक. हाँ, ये तीनों चीजें त्रिकाग्नि संस्कार, सर्वांग हट कुंभक, करला कटाई, तीनों में ही कुंभक बेस है. कुंभक के बगैर हम नहीं कर रहे ये सब, क्योंकि कुंभक के बगैर ये हो नहीं सकता. बाकी जगह करला कटाई को किया जा रहा है, नॉट विथ कुंभक. करला कटाई में वेट को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू डू कुंभक, बट विल यूज प्योरली कुंभक टू डू करला कटाई. दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, है ना. तो दुनिया में अपने तरीके के यूनिक प्रोसेस, बिल्कुल इकलौते प्रोसेस, और कोई ऐसा नहीं है. विल टीच यू इन 40 days, 40 दिन के अंदर आपको ये चीजें हम सिखाएंगे. इफ यू डू प्रैक्टिस इट सो यू विल रीप बेनिफिट, लाइक वेट रिडक्शन तो होगा. इफ यू आर डूइंग कुंभक, लेट मी अगेन गारंटी दिस, इफ यू आर डूइंग कुंभक एंड योर व्याधिक क्षमत्व हैज इंक्रीज, विच टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 months फॉर फ्रॉम पीपल टू पीपल. ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को, ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, देन इट विल टेक 1 year to 3 years. बट सोचिए, आप अगर 3 साल के अंदर अपने सिचुएशन, द स्टेट ऑफ योर बॉडी बिकम सच कि आपकी बीमारियां सारी ठीक हो जाती हैं और आगे चल के कोई बीमारी नहीं आए आपके, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इज देयर एनी अदर वे थ्रू विच यू कैन डू दिस? नो, यू कांट डू दिस थ्रू एनी अदर वे. अच्छा भोजन खाना तो ठीक है, बट फूड विल नॉट इंक्रीज योर व्याधिक क्षमत्व. तो आपको क्या वो च्यवनप्राश खा के आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी? नहीं साहब, ऐसा काम नहीं करता, ऐसा ऐसी चीजें नहीं होती. थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर पड़ेगा इफ यू हैव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म. साल भर च्यवनप्राश खाएंगे तो थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन व्याधिक क्षमत्व बढ़ाएंगे तो एक हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी डबल हो सकती है. सो दिस इज अ मिसिंग पार्ट दैट वी मस्ट फोकस अपॉन. एंड इट्स अ दिस प्रोग्राम इज अ कंप्लीट रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रिजुविनेशन प्रोग्राम, है ना. तो ये बड़ा स्कोप है इसका, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रिजुविनेशन. किसी को अगर मेंटल एपिसोड भी है, एनी काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बाइपोलैरिटी, स्किजोफ्रेनिया, those kind of things, agar ADHD is tarah ki cheezein bhi hain, so you'll see that your the moment we increase the vyadhik shamatva, the mental issues actually collapse down, wo cheeze ekdam theek ho jati hain. So the core thing is vyadhik shamatva badha ke what we are doing, we are doing sleshma shuddhi, sleshma shuddhi kar rahe hain, and that is how we will achieve all those results that I have said. Theek hai. तो दिस इज ऑल अबाउट अमेधा, और इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला, हमने कहा अमेधा ताकि आप प्रोनाउंस कर पाए. लंबे लंबे वर्ड बोलेंगे तो नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, मगर व्हाट इज दिस प्रोग्राम, द प्रोग्राम इज अमेधा.
किसके लिए जरूरी है? सबके लिए जरूरी है इस वक्त तो, है ना, सबके लिए जरूरी है। बट आप अपने अपनी प्रॉब्लम देखिए और उसके हिसाब से देखिए कि ये आपको, ये कोर थिंग है, ये आपको करना चाहिए। टेक अ डिसीजन। इफ यू टेक अ डिसीजन टुवर्ड्स योर लाइफ, यू सी यू कैन गो टुवर्ड्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो आई विल स्टॉप हियर, यहां पे मैं रुकूंगा। बाकी द टीम विल टेक यू फॉरवर्ड। Thank you so much for listening to Swamiji patiently. I hope you've been able to relate to it. Now to go further deep into it, we will be inviting Nishi ma'am to share her journey of Ameda. Nishi ma'am, over to you. Am I audible to you? Nishi Modi ma'am. Thank you so much, Nishi ma'am, for joining us tonight. Hi, ma'am. Hi. How are you? Thank you, sir. Good, good. How are you? Yes, I'm fine, ma'am. Hello. So could you brief us about your journey of Ameda? Yes, can you hear me, ma'am? Yes, yes, sure. Acha. Ma'am, I joined this Ameda in August and I didn't know anything about this before. Should I talk in Hindi or English? Chalega na English? It can be a mix of both. That would be best because partly okay, our participants okay. can understand English, yeah, partly. Yeah, yeah. Okay, ma'am. August mein maine join kiya tha. This I saw through Facebook. So I joined this. And I just wondered like what it will be. But when I joined this, after a week, I found like amazing results. I had so much of joint pains in my knees, in my hands, in my like elbows and all, like they were becoming very slow, like बहुत धीरे धीरे वो सब जा रहे थे joint pains. और एक महीने के result के बाद मैम मेरा weight like 2.5 kgs मैंने lost किया, तो that was an amazing result. और मैं ये बोलती हूँ कि सबको एक बार जरूर ये एक्सपीरियंस करना चाहिए कुंभक का. और अभी तो ऐसा हो गया मैम कि एक दिन भी मैं नहीं करती हूँ कुंभक तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आई फील सो एनर्जेटिक आफ्टर डूइंग दिस क्रियाज. सो एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, फर्स्ट द थिंग आई डू दिस क्रियाज, ये कुंभक. उसके बिना मुझे चलता ही नहीं है, लाइक मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है. मैं जैसे बहुत स्वामी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया है. और सेकंड थिंग, मैं गंगा मैम को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, बहुत अच्छे से हमको सिखाया उन्होंने और हर चीज का इतना अच्छे से जवाब देते हैं. कोई भी चीज हम पूछे तो तुरंत वो मतलब आंसरेबल है. तो आई थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रोग्राम मैम. थैंक यू सो मच मैम. तो लगता है कुंभक अभी चुंबक की तरह आपसे yes, चिपक yes, गया है. बिल्कुल बिल्कुल चुंबक, और वैसे चिपकना भी चाहिए मैम. मैं सबको बोलती हूँ कि एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए ये कुंभक. मैं तो बहुत जनों को बोल चुकी हूँ मैम कि मुझे कुंभक से बहुत फर्क पड़ा है. हाँ, तो ये चीज देखिए, सब लोगों को समझना है कि वंस यू बिल्ड अप योर इंटरनल स्ट्रेंथ, नो डॉक्टर ऑन अर्थ कैन क्योर यू, बट यू कैन हील योर सेल्फ. यस मैम, और ये तो बात पक्की है मैम कि इम्यूनिटी इतनी अच्छी बढ़ी है ना मेरी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कुंभक करके. प्लीज कंटिन्यू द गुड एफर्ट्स मैम. एंड नाउ ओवर टू राखी मैम टू प्लीज शेयर हर जर्नी ऑफ अष्टांग अमेधा. सर हेलो एवरीवन, मैंने भी अगस्त में ही कुंभक ज्वाइन किया था. तो मैं एक्चुअली आगे बहुत योगा करती थी, बट ड्यू टू मेरे को प्लांटर फैसाइटिस होने की वजह से पैर में मैं उतना अपना हेक्टिक शेड्यूल कर नहीं पा रही थी और मुझे और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे. तो कुंभक सिंस स्वामी जी एक्सप्लेन वाज ड्यू थ्रू ब्रीदिंग, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया. तो 6 वीक्स के प्रोसेस में मेरा 2 किलो लॉस हुआ, बट द मोस्ट अमेजिंग रिजल्ट इज मेरा थायराइड का TSH हैज कम डाउन ड्रास्टिकली फ्रॉम 17.1, इट हैज कम डाउन टू 6.1. एंड देन माय आई वाज डायबिटिक, माय डायबिटीज हैज कम डाउन टू नॉर्मल. सो दैट वाज इन विद इन 6 वीक्स आई हैव अचीव दिस. प्लस मेरे जो जितने पेन से इवन माय प्लांटर फैसाइटिस पेन हैज रिड्यूस्ड ट्रेमेंडसली.
plus my backache, my shoulder pain, my everything, whenever I do this, these kriyas, though I will say myself that I try to keep myself regular, but hota nahi hai kisi na kisi wajah se, but 5 times a week to pakka karti hoon, usme hi ye result maine paya hai. So it is like amazing. It is a beautiful technique, long lost technique brought to you by Swamiji for us. Amazing technique. Jo bhi hai, I mean, like any age person can do it. It is just, it will take some time to get used to the facts, how to do it. But once you learn it, it is amazing. The whole Amedha family is amazing because kabhi agar kuch, koi bhi problem aayi hai, everybody has reached out to you and helped you out. The teachers are amazing. They try to be with you, push you throughout the process so that aap beech mein chhode na ye. Aur jo bhi join kare, main ye bolungi, chhodiyega mat. Continue rakhega. Results aapko jo 6 weeks mein milegi, it is going to be amazing. Thank you so much. And I think this is a lifelong learning process for me. I cannot leave this anymore. Thank you so much, Rakhi ma'am, for sharing your views on Amedha and how your thyroid has come down tremendously after doing this program. So I wish you all the best on your onward journey, and we will see you as a different person since your thyroid has come down, and you will see a better version of yourself. Thank you so much. Thank you. Once again. And the participants are eagerly waiting for the program details. So I will be just sharing it. Give me 2 minutes. So is the screen visible? Can I get a quick thumbs up from the participants? If the screen is visible. Okay. Amedha Shleshma Shuddhi Chikitsa program details. The much awaited program details, which I will be sharing right now. So it's a guided program conducted online on Zoom app by trained Kumbhak mentors. Hamare jo mentors hain, wo sirf koi aise waise just train ki hue nahi hai, wo Swami ji khud train karte hain unko. As Kumbhak mentors. So let's come to the program overview. It's a 6-week program, 18 live classes, 3 classes every week, Pranshakti diagnosis for root cause determination. For example, agar aapka weight bada hua hai, to uska reason kya hai? What is the risk factor that the weight is getting put on? जैसा कि मैंने वेबिनार के शुरू में बताया था कि जब आपका बॉडी रिस्क में होता है तब वेट बढ़ता है, पर हमें जानना तो चाहिए कि रूट कॉज क्या है, देन ओनली वी कैन डू समथिंग अबाउट द वेट. वन कस्टमाइजेशन क्लास. सो बैच स्टार्टिंग फॉर अमेधा श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा एट 7 PM 21st September 2023 थर्सडे. So class timings, time 7 PM. First 2 classes will be on Thursday. Excuse me. Thursday, 21st September, Saturday, 23rd September, next week onwards, Monday, Wednesday, Friday. Let's go further. What is the class experience like? The most important part of the online classes, live sessions, written instructions in English and Hindi both. Mentors watch participants. इसीलिए हम allow नहीं करते हैं कि आप video बंद करके रखें, क्योंकि हमारे mentors को आपको constantly watch करना है. Session recordings. In case आपने कोई class miss कर दिया, कोई problem नहीं, you can always go back and see the session recordings. मेंटल प्रैक्टिसेस. आप जब भी कोई ऑनलाइन क्लास के लिए आते हैं, सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड हाउ यू गोइंग टू डू द क्लासेस. यू नीड डाइट पर्सपेक्टिव. माइंड यू, दिस इज नो डाइट,
इट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव. कोई अगर नॉर्थ इंडियन है तो उसको डिफरेंट वे से बताते हैं, साउथ इंडियन है तो वो कैसे अपना सेम खाना रख के सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस लाएगा. उसको चेंजेस पूरे डाइट में नहीं करना है, सिंपल डिटॉक्स कैसे आपके बॉडी में डिटॉक्स प्रोसेसेस करना है. नॉलेज लाइक नो अदर. Before I share the program detail, it is very, very important to know who this program is not for. Not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. वो तो आपको allopathy या fad diets ही दे सकते हैं. हम तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम work करते हैं long term चीजों पे कि long term आपका strength build हो और आप वेट के इश्यू से हट जाए एंड विद रिलेटेड प्रॉब्लम्स. नॉट फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन देयर बॉडी. वी आर नॉट एंटरटेनिंग एनीबॉडी हु इज गोइंग टू बी लेजी एंड आर नॉट डिसिप्लिन्ड एंड आर नॉट विलिंग टू वर्क ऑन देयर बॉडी. कोई भी चीज आप करते हैं मेहनत आपको करना पड़ेगा. सबसे आसान तरीका है पिल ले लिया, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी इतने हैं और ये अगर आप मेहनत करते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी हजार हैं. नॉट फॉर दोज हु कैन नॉट इन्वेस्ट 60-70 मिनट्स एवरी डे ऑन देमसेल्व्स. नॉट फॉर दोज हु आर इम्पेशेंट. आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंटली प्रोग्राम करना पड़ेगा. नॉट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्री ट्रीटमेंट और जस्ट सम ट्रिप्स. बहुत सारी ऐसी चीजें YouTube में ऑलरेडी हैं, बट जो फ्री ट्रीटमेंट देख रहा है या सम टिप्स, वी आर नॉट देयर फॉर देम. सो स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग, लेट्स सी, 5,500. एक्चुअल प्राइस इज 9,500, बट सिंस यू हैव अटेंडेड द अमेधा प्रोग्राम, वी विल गिव यू अ हैंडसम डिस्काउंट एंड मेक इट 5,500. How to enroll, pay program fee, post the participant receipt in WhatsApp group, submit your details to Access Course dashboard, join class WhatsApp group. So what do you get? Pran Shakti diagnosis for root cause determination. Ye kahin par aapko nahi milta hai. Aapka jo root cause hai, उसका प्राण शक्ति डायग्नोसिस हमारे स्वामी जी करते हैं. 3 क्लासेस पर वीक, 60-70 मिनट्स ड्यूरेशन, क्लास रिकॉर्डिंग्स, एक्सेस फॉर 6 मंथ्स, सेपरेट वीडियोस ऑफ ऑल द क्रियास, रिटन इंस्ट्रक्शन, डेली सपोर्ट इन द क्लास ग्रुप. हमेशा क्लास ग्रुप एक्टिव रहता है, वहां पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेरीज लिख सकते हो और हमारे mentors या admin staff answer करते हैं. Customization of triage as per the pran shakti diagnosis जो आप हमें भर के देते हैं. 30 days of extra support after the program is over. Payment methods, webinar discounted fee offer is till 20th September, 12:30 PM. This is the scan code and the VPA address for UPI payment. So let's see who our support team are. Rachna Shimal Bothra, that's me, Shalina Bhagwat, Ranjana Swain, Vibha Chorge, Neha Upadhyay, Anil Chauhan, and Himanshu Reddy. So we have a whole set of people, the enrollment expert, the back-end guy, taking care of the technicalities, and mentors. Thank you so much for listening to me patiently. Now we have come to the very important part of the webinar for which everybody is waiting, I'm sure. To get their questions answered by Swamiji. So let me just check if Swamiji is joined in. Swamiji will join at 7:20. Okay, so there are 5 minutes left. So Swamiji will be joining in.
तब तक लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हाटएवर आई कैन आंसर आई डेफिनेटली आंसर रेस्ट विल बी टेकन अप माय स्वामी जी. So the class details has been sent to you, which are the days for the class and the timing. Okay. Okay, somebody's writing. There is a problem with my PCOD problem will be resolved by this. Shalini ma'am, the thing is, this is not really a program for PCOD, but hota kya hai, jaise ki abhi hamare live testimony ne bataya ki Rakhi ma'am ne ki unko thyroid hai. Ab sabko malum hai ki thyroid ke liye weight put on hota hai. To jab aap wo root cause jo unke case mein thyroid ke parameters itne kam ho gaye तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लूज होता है. बट ये थायराइड का प्रोग्राम नहीं था. ओके, सो पीसीओडी प्रॉब्लम माइट गेट सॉल्व, बट द थिंग इज दिस इज नॉट अ फोकस्ड प्रोग्राम ऑन पीसीओडी. प्रवीण सर, द कॉस्ट डिटेल्स विल बी शेयर्ड अगेन इन द वेबिनार क्लास ग्रुप एज वेल. So it's 5,500 for your information. Vijay Chidambara, ma'am, is there any morning batch available? Ma'am, please write down your name and number and we will make a note of it. When the morning batch starts, we'll intimidate you. Can these kriyas be taught to blind people over Zoom? This can be taught, not a problem, but we'll have to see. So please, Avichal sir, please write down your number and our enrollment expert will separately talk to you. Soni ma'am, what is your query? You have written, if you do not clarify the question, I'm sorry, I will not be able to join. So if you could please mention your query once again. Shalini ma'am, program for PCOD, please write down your number and we'll separately message to you. Shashi ma'am, you can write down your number if you want to join the morning batch. And Neha is going to make a note of it. Vijay Chidambara sir, can I pay in two installments? So please give us your number and our enrollment expert will separately speak to you. Manik sir, next batch. So every 15 days we start a batch. So the next batch is going to start from, let me just check. Anilji, could you please tell me when is the next batch going to start? 5th October is the morning batch. 5th October will be our next morning batch. Neha, can you please make a note of the numbers where they want it in the morning? Kiana Chauhan, ma'am, if fat is accumulated only in the lower body, is it curable? Definitely, ma'am, fat jahan bhi accumulate hua hai, wo curable hai. Avichal sir, thank you ma'am. Is there any mentor available in Delhi who could teach me offline as I might not be able to learn it properly online? Avichal sir, I'm so sorry, but we do not have any offline center where we are conducting classes. It's totally online as of now. Let us move further. Prashant Soni sir,
I am physically challenged, polio in right leg. So I don't think that should be a problem, sir. Jayashree ma'am, PCOS and hormonal imbalance. Ma'am, you can join the program. These problems would also be resolved, as I just mentioned a little while ago. Timing of morning batch. Morning batch will be at 7 again. So, Prashant sir, you're physically challenged, polio in right leg. You can still do it. Maybe not all the kriyas you will not be able to do. That is definitely there. But you can do the upper body part. You can definitely do. Sachin Sabe Rao, sir, I'm diabetic and I have a brain stroke in recent. Can we clear a disability of diabetes? Sir, if you're interested in a diabetes program, please write down your number and our enrollment expert will give you the number of our sister concern who runs a diabetes program. So you all can get your questions noted, and as and when Swamiji joins in, he will answer your questions. Rishali, is there any batch in the evening after 25th September? Ma'am, please write down your number and Neha will make a note of it. So every 15 days we do start a batch. So it's either in the morning or in the evening. So after 25th September, she will get in touch with her. Kavita Sanghi, ma'am, how many hours before Kumbhak should we not eat anything? So everything will be told to you in the session, so do not worry. So people who have not written down their questions, please write it down, or we can take a raise hand as and when Swamiji joins in. Anandji, can we check on Swamiji if he's like getting delayed? Yes, I'm calling him. Manik sir, is it 1 hour? Approximately 1 hour after that, the participants have their queries. So it gets extended. So you can leave the session if you don't have any questions. That's not a problem. Satnaji, Swamiji has joined. Yes, thank you so much, Anilji. So now we will take up the rest of the questions, which I was not able to handle from my end. Participants can raise their hands. If you want to ask their questions, please raise your hands. Sachin Sabe Rao, sir, you can ask your question. I have unmuted you. Hello, sir. Hello. Yes, go ahead. सर मैं डायबिटिक हूँ और रिसेंटली एक महीने पहले मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है. मेरी एज 33 है. पर तो अपन उसके लिए कुछ ये प्रयास कर सकते हैं. देखिए, ब्रेन स्ट्रोक हुआ क्यों सर? ड्यू टू हाई इन द कोलेस्ट्रॉल और द डायबिटीज. इंक्रीज
देखिए, ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। डायबिटीज़ की वजह से शुगर लेवल बढ़ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, बट एक्चुअल रीज़न क्या है? ब्रेन स्ट्रोक बिना डायबिटीज़ के भी हो सकता, बिना शुगर लेवल बढ़े भी हो सकता। ऐसे भी लोग हैं जिनको कि डायबिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता। तो ब्रेन स्ट्रोक इसलिए हुआ क्योंकि एक क्लॉटिंग हुई है कहीं ब्रेन में, जिसकी वजह से क्लॉटिंग क्यों हुई? क्लॉटिंग तो हमेशा अपने को बचाने के लिए होती है। क्लॉटिंग तो हमेशा अपने को बचाने के लिए होती है। तो क्लॉटिंग क्यों हो गई? अभी वो अंदर क्या बचा रहा था आपका बॉडी? कहीं बचा रहा था ना आपको? हाँ सही। इसका मतलब खतरा था ना अंदर? हाँ। तो ऐसा क्या खतरा था जिससे कि आपका शरीर आपको बचा रहा था? तो ये केवल और केवल शुगर लेवल हाई होने की वजह से ही नहीं होता। ये जब आप, हम बॉडी में रिस्क क्रिएट करते हैं ना ज़्यादा, और रिस्क से निकलने का, रिस्क को टॉलरेट करने की कैपेसिटी कम होगी तो ब्रेन स्ट्रोक होगा। जब तक आपका बॉडी झेल पाएगा तब तक झेलेगा। जिस दिन वो झेल नहीं पाएगा उस दिन रिस्क को कम करने के लिए कोई ना कोई ड्रास्टिक स्टेप ले लेगा। और ब्लड गाढ़ा होना भी आज के टाइम पे जो है ना, वो इसी का एक कारण है। क्योंकि बाहर भी आप चोट लगती है तो ब्लड गाढ़ा होता है, तो आप बच जाते हैं या खून नहीं निकलता या फिर वहां पे रिकवरी होती है। शरीर के अंदर ब्लड गाढ़ा हो रहा है, इसका मतलब हम कुछ गलत चीज डाल रहे हैं अपने शरीर में। तो आप देखेंगे बचपन से मेडिसिन लेना, फूड जो कि हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड है, या फिर के लिए एनवायरनमेंट के बदलने की वजह से भी बॉडी के अंदर रिस्क आ सकता है। लेकिन रिस्क को आपके झेलने की क्षमता अगर बढ़ा देंगे ना, तो वो इंसान जो इन सब चीजों से बच जाता है। डायबिटीज शुगर लेवल नहीं है, पहली बात तो ये। डायबिटीज मेटाबॉलिक वीकनेस है बॉडी का। शुगर लेवल आप जो कम कर देते हो ब्लड में, तो वो ब्लड का शुगर एक्चुअली जाता कहाँ है जब आप दवाई खाते हो? तो नाक से निकलता है, कान से निकलता है, कहां से निकलता है? तो आपने केवल डिस्प्लेस किया है ना ब्लड का शुगर, आपने किडनी में डाल दिया, नर्वस सिस्टम में डाल दिया, तो रिस्क बढ़ गया ना नर्वस सिस्टम का। हाँ सर। इसी वजह से स्ट्रोक आया। स्ट्रोक क्यों आया? क्योंकि आपने दवाई खा के ब्लड का शुगर कहीं और डाल दिया, वहां पे हाई रिस्क हो गया, तो वहां पे शरीर ने बचाने के लिए स्ट्रोक क्रिएट कर दिया। ठीक है ना? तो कोई भी दवाई आपकी डायबिटीज ठीक नहीं करती, क्योंकि शुगर लेवल डायबिटीज होता ही नहीं है पहली बात। 10 बंदे आप खड़ा कर लीजिए जिनका 200 शुगर लेवल है, क्या सबको एक ही जैसी प्रॉब्लम होगी? नहीं सर, नहीं होगी ना। तो शुगर लेवल प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना झेल पा रहा है आपका शरीर वो प्रॉब्लम है। अगर नहीं झेल पाएगा तो 200 में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, अगर झेल पाएगा तो 400 में भी कुछ नहीं होने वाला आपको। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? पहली बात, टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? ये सिचुएशन आगे चल के स्ट्रोक नहीं हो, ये कैसे इंश्योर करेंगे? अपना टॉलरेंस बढ़ा लो। टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? 10 किलो के आटे को, आटे की बोरी उठाओ, कितना उसको टॉलरेट कैसे करते हो? कैसे उठाते हो? वेट कैसे उठाते हो? सपोज टॉलरेट कैसे करते हो? सांस रोक के वेट उठाते हैं ना। हाँ सर। तो 20 किलो उठाना है तो क्या ज्यादा बनाना पड़ेगा? सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी ना। हाँ स्वामी जी। तो प्रैक्टिस कर रहे हो आप सर? कुछ शुरू करेंगे। अब इसीलिए बहुत जरूरी है, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। करंट नैरेटिव में जो फंसे हुए हैं ना, उसकी वजह से 100 साल में एक बंदा बता दो जिसकी डायबिटीज ठीक कर दिया है, जो इलाज आप करवा रहे हैं। स्ट्रोक के केसेस बढ़े हैं कि कम हुए हैं? बढ़े हैं ना। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है ना, नंबर वन कॉज ऑफ डेथ बन गया। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एपिडेमिक बनता जा रहा है। थायराइड के केसेस देखो, 3 जनरेशन पहले देखो किसको थायराइड था? किसी को भी नहीं। तो जो आप इलाज कह रहे हो ना, वो इलाज है ही नहीं। वो इलाज तो है ही नहीं, इलाज आपका शरीर करता है। यानी कि आपका शरीर आपको किसी प्रॉब्लम से निकाल सकता है, कोई और नहीं निकाल सकता, लेकिन उसका वो रिकवरी स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसका इम्यून स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसका रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, इसका होम्योस्टेसिस बैलेंस लेके आना पड़ेगा। और ये सारे के सारे काम कुंभक से होते हैं। एक पांव पे खड़े होके देखिए कैसे बैलेंस बनाएंगे, सांस रोक के बनाएंगे। फोकस करते हैं, कैसे करते हैं? सांस रुक जाती है,
जोर लगाते हैं कैसे? बिना सांस रोके जोर नहीं लगा सकते, नहीं। उल्टी होती है तो पहले सांस रुकती है? ध्यान दीजिएगा, अगली बार अगर कभी किसी को हुआ छींक मारने से पहले सांस रुकती है, ध्यान देना अगली बार जब होगा तो आपका शरीर कैसे काम करता है? कुंभक की वजह से काम करता है। आप दिन रात कुंभक कर रहे हो, वो कैपेसिटी कम हो गई है, कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व 100%। टाइम अलग अलग लगेगा हर एक की बॉडी के हिसाब से, ठीक है जी? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और पूछना चाहता है तो अनम्यूट करके पूछो। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग स्वामी। यस श्रीनिवास। गुड इवनिंग। I'm Srinivas Kulkarni. My question is, there is a concept as perfect body mass index. Mm-hmm. And let's say if I'm 5 feet 5 inches taller and my weight is around 110 kg. So by practicing Kumbhak every day regularly, how much time will it take to achieve that BMI? Okay, so let's talk about perfect body mass. And I'm sorry to this, sir. And one more thing is, I'm suffering from thyroid. Mm-hmm. So first of all, what is thyroid? Thyroid is inability of the body to maintain a rhythm and order. The inability of the body to maintain an order is thyroid. Because of a particular order, protein gets manufactured in your body. So if the protein is not getting manufactured properly in your body, that condition is called as thyroid. We can also call it as protein allergy. So how to come out of thyroid? If you can recreate the ability of the body to maintain an order, thyroid will be out. 100% it will be out. Now, the second part is perfect body mass index. Now, why the body increases fat? आपका शरीर फैट क्यों बढ़ाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। Now, one of the reason is, if when the metabolism of the body is weak, जब आपका किसी चीज को, भोजन को इस्तेमाल करने की या शरीर में किसी भी चीज को इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो जो स्टोर्ड फैट है वो इस्तेमाल नहीं होगा, और जो खाना भोजन आप ले रहे हैं वो भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो स्टोर हो जाएगा फैट के रूप में। ठीक है, ध्यान से दोबारा से समझिए कि जब आपका भोजन को यूज करने की, इस्तेमाल करने की क्षमता कम होगी, तो जो बना हुआ फैट है शरीर में, स्टोर्ड फैट है, वो भी यूज नहीं होगा, और जो भोजन आप कर रहे हैं वो भी यूज होने की बजाय फैट में स्टोर हो जाएगा। एक रीजन है, उसका यूज हमेशा हार्मोन के थ्रू, कई हार्मोन के थ्रू होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का यूज इंसुलिन के थ्रू होता है, तो वैसे ही आपका फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ही यूज होता है, तो फैट मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो भी कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स की वजह से ही होता है। ये एंजाइम्स और हार्मोन सारे ही प्रोटीन होते हैं, तो जब आपके शरीर में प्रोटीन ठीक से नहीं बन रहा है तो वेट गेन होगा, उसको कम करने में आप कितना भी कोशिश करोगे नहीं होगा, क्योंकि जो फैट को मेटाबोलाइज करेंगे वो ही नहीं बन रहे हैं, तो आप जोर जबरदस्ती करके थोड़ा फैट कम कर दोगे, उसके बाद फिर फैट बढ़ जाएगा, और जोर जबरदस्ती करके फैट कम करोगे तो शरीर और कमजोर हो जाएगा, यह भी बता देता हूं, ऑर्गन वीकनेस आ जाएगी, तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच टू रिड्यूस फैट। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप फैट को यूटिलाइज या भोजन को यूटिलाइज किस आधार पे क्या करते हैं? व्हाट इज दैट फैक्टर इन योर बॉडी विच एक्चुअली यूटिलाइजेस फूड? तो आप एक काम करके देखना, आप ना कोई सरकारी डेस्क जॉब करने वाला, आईटी फील्ड में जॉब करने वाला कुछ बंदे आप लेके आए, और
आपके एरिया में जो मजदूर है ना, मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को लेके आए और उनको खाने में बैठा, खाने के लिए बोले, लंच के लिए इनवाइट करो और उनको सर्व करो भोजन। जो आईटी वाले लोग होंगे ना, उनसे ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी का भोजन वो मजदूर कर लेंगे। ये आपने भी देखा होगा, डाइट उनकी बहुत होती है। डाइट इसीलिए है क्योंकि उसको यूज कर पा रहे हैं। तो मजदूर क्या कर रहा है जो एक चेयर पे बैठा हुआ, डेस्क पे बैठा हुआ बंदा नहीं कर रहा? मजदूर जोर लगा रहा है बॉडी का, डेस्क पे बैठा हुआ बंदा जोर नहीं लगा रहा बॉडी का, वो माइंड का जोर लगा रहा है ज्यादा से ज्यादा, बॉडी का जोर नहीं लगा रहा। तो अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी है, ऐसी लाइफस्टाइल जहां पे हम जोर नहीं लगा रहे, और एक्सरसाइज देखो लोड होता, कुछ भी बोलो आप, सुबह सुबह उठ के अगर एक्सरसाइज करना चालू करोगे ना, आपको लगेगा पता नहीं इतना मुश्किल काम है। और एक्सरसाइज हमेशा लोड होता है बॉडी के ऊपर, बॉडी बना नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, काम करने के लिए बना है। तो जब आपने वो काम करने वाला एनवायरमेंट और इकोसिस्टम छोड़ दिया, तो जोर लगाना तो नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। फिजिकल जोर आप बेशक से ना लगाएं, मगर इंटरनल जोर तो लगाना आपने अपने लाइफस्टाइल में लेके आना चाहिए था, ताकि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं हो, थायराइड नहीं हो, डायबिटीज नहीं हो, जिसे हम कहते हैं ये सारे क्रॉनिक डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म जोर लगाने के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कुंभक के जरिए ही आप कोई भी जोर लगाते हैं, मैं ये बता रहा हूं आपको, जोर लगाने के लिए कुंभक हर जगह इस्तेमाल करते हो आप। पुश करो, पुल करो, जंप करो, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, घर के कामकाज, सीढ़ियां चढ़ना, हाथ पांव हिलाना, नाचना गाना, आप पीछे करके आ रहे हो। किसकी वजह से आप वो एक्शन कर पा रहे हो? कुंभक की वजह से वो एक्शन कर रहे हो। तो एक्टिविटी कम हो गई लाइफ में, तो कुंभक बढ़ाना चाहिए आपको, मगर ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। तो अब मालूम चला है तो अब तो जिम्मेदारी लीजिए। कुंभक करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फैट या फूड बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेचुरली फैट कम हो जाएगा, ये गारंटी है बिना नुकसान किए। लेकिन इतना ही नहीं, आगे आने वाली डिजीज और डिफिकल्टीज खत्म हो जाएंगी लाइफ से, काम ज्यादा कर पाएंगे, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, बुद्धि बढ़ जाएगी, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। तो माइंड में कोई भी बीमारी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो ठीक हो जाएगा 100%, क्योंकि वो सब इसी से जुड़ा हुआ है। तो जब आपने एफर्ट डालना लाइफ में, शारीरिक एफर्ट कम हुआ तो कुंभक बढ़ना चाहिए, तो आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज, फैट प्रोटेक्टिव होता है आपके शरीर के लिए। जब भी शरीर अपने को बचाने की कोशिश करेगा तो फैट बढ़ाएगा, ये समझिए। फैट बढ़ा के ही, अब मैं बात किस फैट की कर रहा हूं, बाहर से दिखता वो फैट नहीं बोल रहा, अंदर जो फैट है, टिश्यू का फैट, विसरल फैट, जो आपके टिश्यू लेवल पे, सेलुलर लेवल पे फैट है, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका शरीर बनाता है। क्योंकि आप केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो ना, मेटाबोलाइट्स, खराब मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं आपके शरीर में, लिवर कमजोर हो रहा है, तो ऐसे में खराब टॉक्सिन्स जो बन रहे हैं वो तो सेल नहीं लेना चाहता। तो जब आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर बहुत बन गया जो आपके शरीर को चाहिए नहीं, और खराब शुगर बना, तो शरीर अपने सेल वॉल्स, जो सेल है ना, सेल वॉल्स पे फैट डिपॉजिट करके अपनी खिड़कियां बंद कर देता है। इसे क्या, इसे फिर अलग नाम से जानते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंसुलिन इंटॉलरेंस या ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो गया, इंसुलिन इंटॉलरेंस हो गया, इंसुलिन जा नहीं रहा तो मेटफॉर्मिन खिलाएंगे फिर आपको अंदर घुसाने के लिए जबरदस्ती, उससे आपका सेलुलर डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होगा, न्यूरोपैथी होगा, रेटिनोपैथी होगा, और पता नहीं कितने एक सारी चीजें होंगी। तो वो कोई इलाज नहीं है, वो टॉर्चर है आपकी बॉडी का। जो आप दवाइयां इलाज के नाम पे खा रहे हैं वो बेसिकली टॉर्चर कर रहे हैं अपने शरीर को।
वो दवाइयां करती क्या है, देखो बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, क्या लग रहा है आप अपने शरीर के साथ में क्या कर रहे हैं ये? तो आप तो टॉर्चर कर रहे हो ना, क्योंकि आपको आइडिया है, आपका फैशन है कि भाई कान जो है ऐसे कटने चाहिए, नाक ऐसे कटे हुए होने चाहिए, ब्लड में इतना शुगर, ये आपका फैशन है भाई, ब्लड में इतना ही शुगर होना चाहिए, प्रेशर इतना ही होना चाहिए, ये आपका फैशन है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हर एक का अलग होना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि हर एक की हाइट 5-7 ही होनी चाहिए, जो लंबा है उसके पांव काट दो, जो नाटा है उसके पांव लगा दो वो वाले, मतलब इतने मूर्ख तो हम कभी नहीं थे, इतने मूर्ख तो हम कभी भी नहीं थे। तो आप क्या हैं, फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए हैं और कुछ भी नहीं है। ये फिरंगियों का चक्कर ना आपको बर्बाद कर देगा, और 100 साल में आप इसका ट्रेंड देख लो, डेटा उठा लो, डेटा झूठ नहीं बोलता, डेटा उठा के देखो बीमारियां कौन सी कम हो रही, कोई भी कम नहीं हो रही, सारी बढ़ रही है और ड्रास्टिकली बढ़ रही है, इतनी खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, ये शरीर शटडाउन कर रहा है अपने आपको, कह रहे कि भैया तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ में। तो विसरल फैट आपको बचाने के लिए होता, ठीक है। अब अगर लिवर पे आप केमिकल बॉम्बिंग करोगे, अगर हाथ में केमिकल लगा के रगड़ लो, थोड़ा जलन होगा ना, इन्फ्लेमेशन होगा, थोड़ा घी लगाओगे कम हो जाएगा, तो लिवर भी बेचारा घी लगा रहा, आप उसको गलत क्यों बोल रहे हो? आप केमिकल डालना बंद करो ना उसके ऊपर। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा है क्योंकि उसको कोर्टिसोल बनाना है, कोर्टिसोल एंटी स्ट्रेस, उसको बॉडी पे स्ट्रेस है, लोड है, इन्फ्लेमेशन है, कोलेस्ट्रॉल वो कोर्टिसोल वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा, मगर उसका कच्चा माल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है, आप वो बढ़ाने नहीं देते, आपको ये गलत हो गया। अरे शरीर जो भी कहेगा गलत हो गया, उल्टी करेगा उल्टी बंद कर देंगे, दस्त करेगा दस्त बंद कर देंगे, बुखार करेगा कोरोना को मारने के लिए बुखार ही कम कर देंगे। क्रिमिनल ना बनाए अपने शरीर को। विसरल फैट, अगर टॉलरेंस बढ़ेगा आपका, अगर ऑर्गन फंक्शनिंग ठीक होगी, अगर रिस्क कम होगा बॉडी का, विसरल फैट अपने आप ही कम होगा, तभी दरवाजे खिड़कियां खोलेगा। आप भी तभी खोलोगे जब बाहर का मौसम अच्छा है, नहीं तो आप भी दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हो। तो कुंभक करने से क्या होता है, अंदर एक्सरसाइज मिल रही है एक तरीके से, बाहर एक्सरसाइज करते हो तो बाहर का फैट कम होता, अंदर की एक्सरसाइज करोगे ना, कुंभक अंदर का एक्सरसाइज है ना, तो अंदर का एक्सरसाइज करोगे टॉलरेंस बढ़ेगा, अंदर का सिचुएशन ठीक होगा, तो उसमें ये इंसुलिन इनटॉलरेंस और ग्लूकोज, इंसुलिन का टॉलरेंस बढ़ गया या ग्लूकोज का इनटॉलरेंस हो गया, ये चीज ठीक हो जाएगी, और फिर आप देखेंगे विसरल फैट धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। जो कुंभक कर रहा है उसका बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं ना, वो अप्रोप्रिएट होता है। आप जिसे सोचते हैं ना इतना होना चाहिए, वो सही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 5'7" सबकी हाइट होनी चाहिए, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। हर एक के बॉडी स्ट्रक्चर और मेक के हिसाब से उसका अपना बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड वही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मगर कुंभक करेंगे तो अप्रोप्रिएट बॉडी मास इंडेक्स आपका आ जाएगा, ये गारंटी है 100%, और रिस्क कम हो जाएगा। आप किसी और तरीके से फैट कम करेंगे, रिस्क बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में। जबरदस्ती फैट कम करोगे, रिस्क बढ़ जाएगा। अपना फंक्शन, ऑर्गन स्ट्रेंथ, अपने बॉडी का एफर्ट मेकिंग एबिलिटी, ये सब बढ़ाएंगे, फैट कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे, आगे की बीमारी, आने वाली बीमारी को रोक देंगे। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नीरज सर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। या नमस्कार स्वामी जी। एक्चुअली मैं इस आपके प्रोग्राम के काफी कुछ अपने फ्रेंड से भी सुना था, और आज पूरा ये वेबिनार भी अटेंड किया। एक्चुअली मैं अपने बेटे के लिए देखना चाह रहा था, वो 20 साल का है, और कुछ समय पहले उसको पहले तो हाइपोथायरायडिज्म डिटेक्ट हुआ था, और फिर बाद में हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ, और अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल पे भी बोला जा रहा है, और वेट काफी ज्यादा है उसका। और दूसरा, जैसे हमारी फैमिली में एक
थोड़ा सा एस्थमेटिक लेवल पे भी चलता है, तो थोड़ा थोड़ा उसको अस्थमा का भी असर है। तो मेरा कोर सवाल यह है कि जो ये कोर्स है वो उसके लिए उपयुक्त है या कोई दूसरा कोर्स भी, आपका कोई दूसरा सेशन उसको ज्वाइन करना चाहिए? आपने शायद पहले भी सवाल भेजा हुआ ये? नहीं सर। नहीं, आपके टीम के साथ, नेहा जी के साथ मैंने कल ये सवाल भेजा था, तो उन्होंने ये मेरे को ये कहा था कि आप एक ही वेबिनार सुनिए फिर हम आगे बात करेंगे। अभी आप कंसर्न क्या देख रहे हैं, वेट कंसर्न है उसका? वेट से ज्यादा हमारा कंसर्न जो बाकी चीजें, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जा रहा है या हार्मोनल इम्बेलेंस जो है वो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बाकी चीजें ठीक होगा तो वेट अपने आप ठीक हो जाना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताइए उसका एस्थमेटिक कंडीशन क्या अभी ठीक है? एस्थमेटिक कंडीशन ठीक है, मतलब वो प्रोन है, एलर्जी जल्दी हो जाती है, गला जल्दी खराब हो जाता है। तो फिर आप ये ज्वाइन करवा लीजिए, ये फिर वेट जैसे ही उसका कम होता है ना तो बाकी ये रेजिस्टेंस वगैरह सब ठीक हो जाएगा उसके। जी सर, थैंक यू सर। Anybody else who would like to ask a question? See, hormonal imbalance, जैसे मैंने बताया PCOD, PCOD condition, PCOD जो होता है ना, it is just because of hyperinsulinemia. अगर आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा ना तो उसके बाद में PCOD की कंडीशन आ जाती है, बिकॉज इंसुलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, और जब आपके ब्लड में इंसुलिन ज्यादा होगा कभी भी तो वो जहां भी ज्यादा एक्टिविटी ब्लड की होती है ना वहां पे अननेसेसरी ग्रोथ करवाएगा। इन फीमेल्स यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी इज द प्लेस वेयर ब्लड का हमेशा एक्टिविटी ज्यादा रहती, सो ओवरीज में सिस्ट हो जाना इसी की वजह से होता है। पीसीओडी वही है, हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से होता है। हाइपर इंसुलिनीमिया क्यों है? क्योंकि बॉडी का मेटाबोलिज्म वीक है, उसकी वजह से है। रिस्क बॉडी में ज्यादा है, इस वजह से वेट बढ़ रहा है। तो जो हम ये कोर्स करवा रहे हैं ना, ये अप्रोप्रिएट है। अगर आप कंसेप्शन की तरफ अभी नहीं जाना चाहते, देन इट इज ओके, इट विल टेक केयर ऑफ योर पीसीओडी एंड अदर कंडीशन, इट विल रिड्यूस द वेट आल्सो। जयश्री, मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूँ। यस सर। स्वामी जी, जैसे मुझे पीसीओडी, थायराइड, शुगर अभी तीनों डिटेक्ट हुआ है, तो इसमें ये प्रोग्राम काम करेगा? देखो, पीसीओडी तो कोई डिजीज नहीं है, ये ना सिम्टम है, कंडीशन का सिम्टम। थायराइड डिटेक्ट हुआ है और वेट इश्यू है। देखो, थायराइड में वेट बढ़ता ही है, अगर आप देखेंगे थायराइड में वेट बढ़ता ही है, तो ऐसे केस में हम ये, अगर आप ये कहें कि मेरा वेट एक ऐसा कंसर्न है जिसको मैं रिड्यूस करना चाहता हूं, तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करो। लेकिन आप इसमें कितना वेट कम, हाँ आपका वेट इसमें कितना अप्रोक्स? मेरा वेट 777 केजीज है, 5 feet 2 inches। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको साफ बताऊं कि ये चीज ठीक कैसे होगी और इसमें टाइम कितना लगता है। देखो, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जहां पे कि आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, आपके ऑर्गन फंक्शन इंप्रूव होंगे। जो इसमें हम तीन चीजें कराते हैं, वो तीन चीजें, पहला पार्ट जो करवाते हैं ना वो करवाते हैं आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए, दूसरा पार्ट जो करवाते हैं ना वो आपके ऑर्गन फंक्शन इंप्रूव, सारे के सारे ऑर्गन स्ट्रेंथनिंग होता है, तीसरा पार्ट फिजिकल स्ट्रेंथनिंग होता है। ये तीन पार्ट हैं इस प्रोग्राम के। पहला आपके फंक्शनल इंप्रूवमेंट, बेसिकली मेटाबॉलिक फंक्शनल इंप्रूवमेंट, दूसरा ऑर्गन स्ट्रेंथ बढ़ाना, तीसरा फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना। ये तीन स्टेप हैं इस प्रोग्राम के। तो जैसे जैसे आपका फंक्शनिंग मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, ऑर्गन स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, तो आप देखेंगे कि आपका वेट रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। किसी लोग, कुछ लोग जो है जिन्होंने कि हमें काफी ड्रास्टिक वेट रिडक्शन एक ही महीने में बताया है, या फिर उन्होंने रिपोर्ट किया है, एक ही महीने के अंदर उनका 7-8 किलो कम हो गया, और कुछ लोग जो है ना वो एक थ्रेशोल्ड आने के बाद में, जैसे जैसे आपकी बॉडी इंप्रूव होगी ना, वो उसके बाद वेट रिड्यूस होना चालू होगा, उसके पहले अगर वेट रिड्यूस होगा तो ऑर्गन वीक हो जाएंगे।
तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का 3 महीने के बाद वेट लूज होना चालू हो, मगर दैट इज हाउ इट शुड बी। तो आप फटाफट अगले महीने शादी है मुझे वेट रिड्यूस करना है, ये करके आप बॉडी को खराब करने का ना सोचें। गिव इट द टाइम इट नीड्स टू इंप्रूव इटसेल्फ, उसके बाद वेट रिड्यूस होना चालू होगा। आई वॉज 106 kg, मेरा वेट 106 किलो था, अब मैं आधा किलो घी पी जाऊं तब भी वेट नहीं बढ़ता, जरा सा भी नहीं बढ़ता। तो कुंभक से वेट, कुंभक करने वालों का वेट बढ़ ही नहीं सकता, पहली बात ये तो गारंटी है। रिड्यूस होगा, नॉर्मल स्टेट में आएगा, इसमें जितना टाइम लग जाए बस वही है, उसके बाद कभी वेट नहीं आपका बढ़ेगा पूरी लाइफ में। तो उसको आपको टाइम देना चाहिए। सपोज करो किसी को कोई ऑर्गन वीक है और उसका ड्रास्टिक वेट रिड्यूस कर दिया तो ऑर्गन फेल हो जाएगा, एक नहीं तो कुछ और स्ट्रोक हो जाएगा उस इंसान को, किडनी जवाब दे जाएंगे, हार्ट में टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, तो वो नहीं करना। तो आप ये सोचें कि नहीं टारगेट लेके चले कि मुझे इतने दिन में ये करना है, जबकि आपके साथ में एक और डिजीज भी साथ में जुड़ी हुई है, तो ऐसा ना करें, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। लेट योर बॉडी डिसाइड व्हेन इट वांट्स टू फील फाइन एंड रिड्यूस द वेट। तो कई लोगों का बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होता है, कई लोगों का थोड़े टाइम बाद रिड्यूस होना चालू होता है, लेकिन फिर वो जल्दी रिड्यूस होना भी चालू हो जाता, ऐसा भी होता। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जैसे किसी को अगर लिगामेंट टियर हुआ है तो वो भी रिकवर करता है इसमें? जब आपके हम सारे ऑर्गन को की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं तो आपका रिकवरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपका रीजनरेशन भी बढ़ेगा। तो एक फायदा नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं हम बॉडी के कोर पे काम कर रहे हैं, तो उसी से तो सारा कुछ चल रहा, तो आपको मल्टीपल लेवल पे फायदा हो, ऐसा भी फायदा होगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं लाइफ में। सो विल एंड दिस वेबिनार। हैं स्वामी जी, श्रीनिवास अगेन। हाँ हाँ बोलिए। मिस रचना मेंशन दैट यू डू प्राणशक्ति डायग्नोसिस आल्सो, सो हाउ डज प्राणशक्ति डायग्नोसिस विल हैपन and there is no physical meeting also. physical se diagnosis hota bhi hai to kya no aapka diagnosis hota hai na ki autoimmune disorder ho gaya, diabetes ho gayi, dekho physical se hota hai na, to theek kaun sa karte hain, kuch theek bhi karte hain, theek to kuch karte nahi, to diagnosis kisi kaam ka nahi hai, physical diagnosis actual mein kisi kaam ka nahi, symptom hum aapke poochte hain, dusra ab aapke upar aapke body ke upar thoda experiment karne ke liye hota hai, kitni lamba aap saans khinch sakte ho, kitna rok sakte ho, इमोशंस के ऊपर बॉडी को मूव करा के बताते हैं कि आप बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, है ना, स्क्वाटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो या फिर आपका आपके सिम्टम को देखते हुए कहते हैं कि अच्छा कौन सा धातु वीक है आपका, मतलब हड्डियों की कमजोरी है आपकी, कि आपके ब्लड में कुछ इशू है, कि आपके ऑर्गन धातु जो हैं वो ऑर्गन्स जो हैं वो वीक हैं, तो उसके लिए आपको हम थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें हम ऑप्शन डालते हैं कि ये है कि नहीं है, कितना है, उस तरीके का। जब ये सारे क्वेश्चनेयर को आप भरते हैं ना, फिर उसका एनालिसिस करते हैं और फिर आपके बारे में हमें पूरा एक मैप मिल जाता, ब्लूप्रिंट मिल जाता, वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका कस्टमाइजेशन हम करते हैं। तो वो तरीका है डायग्नोसिस का, नॉट कि ब्लड निकाला या ऐसा कुछ निकाला, वो निकालने से भी डायग्नोसिस किया तो क्या किया, ठीक तो किया नहीं, वो फैंसी है ना, थोड़ा फैंसी ही है, थोड़ा मतलब दिखा देंगे, मशीन दिखा देंगे आपको भी, हम थोड़ा मशीन में ला के ऐसा कुछ करके दिखा देंगे, आपको लगेगा अरे बहुत बड़ी चीज़ है, पर देखो मशीन में ला के एक 5-star होटल में घुसे तो हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाती है आपकी भाई, उस मशीन में जाने से हेल्थ थोड़ी ठीक हो गई आपकी। तो ये फैंसी है, शौक है, शौकिया है, तो जाइए किसी भी मशीन के आगे पीछे खड़े हो जाइए, घूम लीजिए, थोड़ा थोड़ा बोल दीजिए ऐसा कुछ, अंग्रेजी का अक्षर बोल दे जो मुझे समझ में नहीं आए, तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी, ऐसा कोई बीमारी बता दो जो मुझे समझ में नहीं आया, ग्रीक और रोमन शब्द बता दो अंग्रेजी का मुझे नहीं समझ में आया, तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी चलो कुछ तो है, ठीक तो करेंगे नहीं, देखो जी अल्टीमेटली ठीक तो करेंगे नहीं। नहीं, घुटने खराब हुए घुटने बदल लो, है ना, लीवर खराब हुआ लीवर ट्रांसप्लांट करा लो, किडनी खराब हुआ किडनी बदल लो, ठीक तो वैसे भी नहीं कर सकते, ये आप नहीं समझ रहे, मगर आपको समझना चाहिए कि वो ठीक करते नहीं, और ठीक करना
अब आगे क्या बोलूं मैं, मतलब आप समझो, ये तो सामने रिजल्ट है आपके। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, जैसे आपने अभी बताया ना कुंभक थेरेपी, तो ये कुंभक थेरेपी है वो वेट रिड्यूस का अलग है या फिर डिजीज को रिकवर करने के लिए अलग रहेगा, जस्ट लाइक जैसे डिजीज डायबिटीज है? कोई, इसीलिए मैंने कहा कोई अगर डिजीज आपका एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है इस वक्त में, तो वो डिजीज वाला प्रोग्राम अलग है। मगर जैसे कि वेट की वजह से कई डिजीज हो सकते हैं, कई बार क्या होता है कि वेट बढ़ने की वजह से कई एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो अगर कंसर्न आपका इस वक्त में ये है कि बाकी और कोई खास सिम्टम आपके है नहीं, कोई डिजीज ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ही ज्यादा इशू है जैसे ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज जैसा कुछ है, अगर वो है तो आपको वोलर डिजीज वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि वेट मेरा कम हो जाए तो थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट मेरा जो भी है या मेरी जो अभी डिजीज है वो ठीक हो जाएगी, तो ये वाला प्रोग्राम है जो कि आपके डिजीज को भी हैंडल कर सकता है, मगर इसकी शुरुआत वेट के थ्रू। हाँ जी सर, जैसे दोनों मेरे हस्बैंड के लिए अलग है, डायबिटीज को हमको क्योर कराना है कुंभक के थ्रू एंड मुझे वेट लॉस का करना है, तो अलग अलग रहेगा ये सिस्टम? तो डायबिटीज का अलग प्रोग्राम है। ओके थैंक यू। सो इसी के साथ यस, हाँ बोलिए बोलिए सर। मुझे सर, मैंने अक्टूबर में न्यूरोमस्कुलर उसका कोर्स किया था, 1.5 ईयर हो गया अभी, बट नाउ प्रॉब्लम कैसा है, इनसोम्निया, मतलब नींद नहीं आता बिल्कुल, दैट इज अ प्रॉब्लम हो गया है। और यूटिक एरिया जो है पित्त, मतलब बॉडी में रैशेस, लाल लाल पित्त उठ जाता है, खुजली बहुत होता है, तो ये दो प्रॉब्लम बढ़ गया है मेरा। तो ये आप ना ग्रुप में पूछ लेते तो फिर हम आपको बता देते, मतलब ये कोर्स करूँ क्या ये पूछना था इसलिए मेरे को। कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको, आप कूल डाउन करो। देखो ये कोर्स है ना, आप कूल डाउन करो, बॉडी में ना पित्त बढ़ गया है, हीट बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई है, जब हीट बढ़ गई है हीट को कम करना है आप इसको। देखिए कुंभक बहुत पावरफुल प्रोसेस है, इसको थोड़ा संभालना भी पड़ता है क्योंकि ये एकदम से एनर्जी बढ़ाता है फिर हीट बढ़ जाती है। हीट हमेशा बैलेंस करके रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा, इंसोम्निया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं कि थोड़ा सा आयुर्वेदिक भी सपोर्ट ले लेंगे ना तो ये सिचुएशन थोड़ी हैंडल हो जाती है। एक आयुर्वेदिक में कौन सी दवाई? लेकिन हाँ बता देता हूँ, महासुदर्शन घनवटी होती है, महासुदर्शन घनवटी, ये दो गोली दिन में अगर आप 3 बार ले लेना आफ्टर फूड। हाँ महासुदर्शन घनवटी, घनवटी कितना सर? दो गोली दिन में 3 बार आफ्टर फूड, आफ्टर मील, अगर आप ये ले लेंगे ना आप देखेंगे ये एक हफ्ते तक आप कर। दो दो मतलब दिन में 6 टैबलेट। हेलो, हाँ 6 टैबलेट लेना है आप मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग, और आप अपने ग्रुप में पूछिए महासुदर्शन घनवटी। हाँ ग्रुप में पूछिए, थोड़ा शीतकारी करना है, थोड़ा विपरीत करनी करना है, ये 2-3 चीजें बता देंगे ना तो ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा अभी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। स्वामी जी प्रणाम। ओके थैंक यू। बोलिए। हाँ स्वामी जी, मैं दत्त प्रसाद बात कर रहा हूँ। मेरा क्या है कि जब भी मैं वेट रिडक्शन करता हूँ एक्सरसाइज से या तो मुझे जॉइंटिस हो जाता है, और अभी कोरोना के बाद क्या है कि मुझे डायबिटीज भी हो गया है, तो डायबिटीज का कोई मुझे इफेक्ट नहीं है ज्यादा, लेकिन वेट रिडक्शन होता है तो डायबिटीज की लेवल भी कम हो जाती है। हाँ आपका लेवल, आपका लीवर जो है ना, हाँ आपका लीवर वीक है, हमारे हमारा एक प्रोग्राम होता है अष्टांग चिकित्सा, उसमें वो अगर करेंगे ना तो उसमें धीरे धीरे करके लीवर को भी सपोर्ट मिलेगा और बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना इसको भी सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा भी मोटो है कि वेट रिडक्शन करना या अष्टांग चिकित्सा करूं। अष्टांग चिकित्सा, वेट रिडक्शन, कितना वेट है आपका सर? 84 है और बीएमआई के हिसाब से 64 या कुछ चाहिए। हाइट कितनी है आपकी? 5.6, 5'6". 5'6" थोड़ा ज्यादा है, इतना बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए आप अष्टांग चिकित्सा करो, आपका मेन कॉज जो है वो लिवर वीकनेस है, उसी से रिड्यूस होना चालू हो जाएगा, वो जैसे ठीक होता है अच्छा वो भी नॉर्मल आ जाएगा, और थोड़ा
अगर आपका आगे भी है तो उसको कितना फिर भी नहीं बताना कितना नहीं करना और शुगर भी है अभी ये 2 साल से लगभग वो लीवर की वजह से ही शुगर वो लीवर की वजह से ही शुगर है आपको मैं बिल्कुल मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लेता एलोपैथिक की फिलहाल वैसे ही चल रहे हैं हाँ ठीक है आप अगर एलोपैथी नहीं लेते ना तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे एलोपैथी लेने पे थोड़ा टाइम लगता है ठीक बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अष्टांग चिकित्सा के लिए एनरोल करता हूँ आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग खूब हेल्दी रहें खूब सुखी रहें अपने जीवन में ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स स्टे वेल स्टे हेल्दी साइनिंग ऑफ वच्चा बिट